नमस्ते। बहुत कठिन समय है इस समय सबके लिए, मुझे मालूम है। और क्योंकि बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो महाराष्ट्र से हैं और ऑफ कोर्स दूसरे अदर स्टेट से भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र से हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा ये लग रहा है कि वहां पर कोविड का जो प्रकोप है वो ज्यादा है। और हम सब मानसिक रूप से इस टाइम जो है, इस समय में जो है, वो बहुत सारी उलझनों में फंसे हैं। और ये डॉक्टर जाधव ने जो मुझे आइडिया मेरे साथ शेयर किया और फिर मुझे एक बहुत प्यार भरा इनविटेशन दिया, जो ऑफ कोर्स मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी जो सखियां हैं पुणे में और मेरी जो एकेडमिक सिस्टर्स हैं और अदरवाइज आल्सो माय वेरी क्लोज पर्सनल फ्रेंड्स, वो लोग हमेशा दे हैव बीन वेरी काइंड कि वो मेरा नाम लेके डॉक्टर जाधव को उन्होंने कहा कि आप इस रक्षा से भी पूछें, वो अगर बोल सकती हो तो, क्योंकि शायद मेरा हिंदी भाषी होना भी एक तरह से ये एक पॉजिटिव बात थी इस वर्कशॉप में आने की। तो उन्होंने जब मुझे ये इनविटेशन दिया तो बहुत सारी मुश्किलों में होते हुए भी मैंने एकदम से हाँ की। ऑल्दो हम लोगों ने, जैसे कि परसों के लेक्चर में डॉक्टर जाधव ने स्वाति के लेक्चर से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था इस बात से कि किस तरह से हम पांचों रिसोर्स पर्सन्स ने थोड़ा बहुत अपना अपना कंट्रीब्यूट करके इसकी जो एवरी डे आपके साथ क्या डिस्कशन होगी इसको फाइनलाइज किया था। तो वो एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिफोर कि हम ये स्टार्ट कर पाए वर्कशॉप, हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लिया, जो एक बहुत बढ़िया आइडिया है। और आप सब लोग भी अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में जब इस तरह की किसी भी कार्यशाला का आयोजन करें तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो एक इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो टू पुट ऑन रिकॉर्ड, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जाधव जी के कॉलेज प्रिंसिपल साहब को और इनके बाकी सब फैकल्टी मेंबर्स जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप, एंड ऑफ कोर्स टू माय कलीग्स गीता चड्डा एंड मीना एंड अनुरेखा एंड स्वाति फॉर सपोर्टिंग एंड इवॉल्विंग ऑन कि हम क्या आज बात करने वाले हैं। मेरे लिए ब्लैक फेमिनिज्म की बात करना बहुत ऐसा दिल के करीब है, क्योंकि बहुत सारा काम दलित फेमिनिज्म पे भी पढ़ा किया। इनफैक्ट अगर आप कहें तो पुणे से जो मेरा अम्बिलिकल कॉर्ड रिलेशनशिप है, और मैं उसे अम्बिलिकल कॉर्ड रिलेशनशिप बोलती हूँ, कि जहां से जन्म हुआ, सोशियोलॉजी का भी मेरे जीवन में और स्त्री अभ्यास पे भी जो बहुत सारे इनिशियल कॉन्सेप्ट्स थे और उसके बारे में जो जानकारी थी और क्लैरिटी थी, वो सब पुणे से आई है। तो मैं कभी भी अपने आप को, जब मैं शुरू करती हूँ, तो अपने जन्म स्थान या एथनोसेंट्रिक होके नहीं देखती हूँ, बल्कि मुझे लगता है महाराष्ट्र और मराठी से मेरा प्रेम बहुत ज्यादा है। और उसका कारण एक ये भी है कि मुझे बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा अपनापन पुणे विद्यापीठ और मेरे सब फ्रेंड्स और कलीग से मिला और मेरे टीचर्स से मिला। तो टीचर्स पे आते हुए मैं शर्मिला पे आना चाहूंगी। ऑल्दो अनुरेखा आपसे शर्मिला की बात अच्छे से करेंगी, मैं उनके एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की बात ना करते हुए, मैं जब भी कभी इस तरह की बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे करती हूँ तो मैं उन्हें जरूर एक्नॉलेज करती हूँ, क्योंकि शर्मिला रेगे ने मुझे जो सिखाया वो शायद आज तक मेरे साथ एक सपोर्ट बन के चल रहा है। और आज का जो विषय है और जिसपे मैं बात कर रही हूँ, उसकी जो ये किताब है आंट आई अ वुमन, ये भी शर्मिला की दी हुई है। तो ये शर्मिला का एक छोटा सा नोट है लिखा हुआ, जो कि उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा था कि जब भी वो कभी किसी के साथ कुछ भी एक्सचेंज करती थी तो उसपे हमेशा कुछ ना कुछ स्क्रिबल करती थी, जो एक मुझे लगता है एक अनएंडिंग याद जो होती है वो हमारे जीवन में रह जाती थी। सो एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट जहां एक तरफ दलित फेमिनिस्ट की बात है और शर्मिला रेगे का कॉन्ट्रीब्यूशन है और बहुत सारे और, मतलब चाहे हम रूथ मनोरमा जी की बात करें या अदर फेमिनिस्ट की बात करें, लेकिन जो बात मुझे शर्मिला ने कहा, आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन एज येट वंदना, आई विल शेयर द स्क्रीन इन अ मिनट व्हेन आई स्टार्ट। मैं जस्ट ऐसा इंट्रोडक्शन के लिए 5-10 मिनट ले रही हूँ। तो जहां पर बेल हुक्स की बात आती है, मुझे लगता है बेल हुक्स की किताबें और बेल हुक्स का जो एक
एक्टिविज्म भरा हुआ फेमिनिज्म का स्टैंड है और वी कैन नॉट से दैट शी इज जस्ट एन एक्टिविस्ट. उनका जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनकी जो किताब आई वो 1981 में आई, 1981 में जब पब्लिश होती है, तो आप समय याद करिए, वो समय जब मेन स्ट्रीम जो फेमिनिज्म है वो बहुत डोमिनेंट है बाय वाइट वुमेन और बेल हुक्स और उनके जो साथी हैं. मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स भी शेयर करने वाली हूँ ताकि आप सब लोगों के लिए वो कन्वीनियंट हो जाए कि मैं आपसे क्या बात करूँ, ऑल्दो वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है. तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा और किस फियरलेसनेस से और कितना यू नो स्टार्क रियलिटी को एकदम जो समाज की सच्चाई थी उसको उन्होंने जिन शब्दों में और जिस तरह से उन्होंने, अगर आप उनकी किताब देखेंगे जो मैं आपको बहुत जल्द थोड़ा ब्रीफ करूंगी उसके बारे में, उसका हर एक चैप्टर और उसकी जो डिटेलिंग है आज भी जब हम 2021 में उसको पढ़ें तो हमें उसकी सच्चाई हम अपने आसपास भी नजर आएगी. सो ऑल्दो मैं इस पे बात नहीं कर रही हूं कि ब्लैक फेमिनिज्म और दलित फेमिनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये एक अलग विषय की बात है आज, क्योंकि ब्लैक फेमिनिज्म पे ही हम फोकस करेंगे और स्पेशली बेल हुक्स के आइडियाज पे कि उन्होंने क्या कहा और अपने काम के द्वारा क्या कहा. ऑल्दो उन्होंने 30 के करीब किताबें पब्लिश की हैं, लेकिन और जिसमें बहुत बढ़िया किताबें हैं, मतलब टॉकिंग बैक जैसी किताब लिखी है फेमिनिस्ट थियरी पे या और बहुत सारी, लेकिन मेरे लिए आंत आया वुमन एक बहुत ही स्पेशल किताब हो जाती है. इसलिए भी कि वो एक माइलस्टोन था, वो उस समय आई, उस समय उस पे उन्होंने उसमें लिखा जब ये सब कह पाना और लिख पाना एक बहुत मुश्किल और बहुत कठिन बात थी. मैं मेरा जो डिस्कशन आपके साथ, या लेट्स से इसको अगर हम लेक्चर भी बोले, तो तीन हिस्सों में बटा हुआ है. पहले मैं आपसे ब्लैक फेमिनिज्म की बात करूंगी, हम जनरली समझेंगे कि ब्लैक फेमिनिज्म है क्या और इसकी थीम्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हम बेल हुक्स की बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह और किन किन चीजों पर फोकस किया, और फिर थोड़ा लंबे उसमें आंट आई वुमन की बात करेंगे, किताब की बात, उस वर्क की बात जिसने एक्चुअली उस आवाज को, उस पूरी आइडियोलॉजी को जो कि एक ब्लैक यू नो फेमिनिस्ट थॉट था, उसको सबके आगे रखा, और स्पेशली अमेरिकन सोसाइटी से ये बात जब आ रही थी तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती थी. और फिर उस हिस्से में मैं थोड़ा सा किताब के कुछ पन्नों को भी कोट करके कुछ आई वुड वॉन्ट टू रीड इट टू यू, मैं वो कुछ पढ़ना चाहूंगी कुछ पंक्तियां, ताकि आपको पता चले कि किस किस्म की राइटिंग उस समय भी हो रही थी इस विषय पर. So let me try sharing the screen. Minimize this. जी, तो मुझे लगता है कि स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है. Yes, और yes. आप पढ़ पा रहे हैं कि मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग पेट्रियार्की एंड जेंडर, क्योंकि ये हमारा एक अम्ब्रेला थीम था ऑफ दिस वर्कशॉप. और फेमिनिस्ट थिंकर्स की इंट्रोडक्शन में मैं जो है वो बेल हुक्स पे बात कर रही हूँ और मैं ये आपको बता चुकी. सो चलिए, पहला जो एक स्ट्रक्चर में जो मैंने एक पहला हिस्सा रखा है उस पे पहले बात करते हैं. और अगर आपको लगेगा आपको बीच में ही कुछ कहना है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. डॉक्टर यादव से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाद में उन प्रश्नों और उन कॉमेंट्स ऑब्जर्वेशन को ले लेंगे, और एल्स अंत में तो हम डिस्कशन करेंगे ही. सो जब हम ब्लैक फेमिनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं तो जो टर्म है ब्लैक विद अ कैपिटल बी, और ये कैपिटल बी इसलिए कहा है, अगर आप बेल हुक्स को देखेंगे उनके नाम को तो वो बी स्मॉल लिखती हैं, एच स्मॉल लिखती हैं, ये गलती नहीं है, ये उनका इंटेंशनल तरीका है अपने पेन नेम को लिखने का. उनका असली नाम तो ग्लोरिया है, लेकिन उन्होंने अपने लिखने के नाम को, जो कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए बहुत सारे लोग तखल्लुस लास्ट में रख लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम में ही जो स्टार्टिंग लेटर्स थे उनको कैपिटल ना रख के स्मॉल रखा. बट हियर द एम्फेसिस इज कि ब्लैक का बी कैपिटल है, एंड ये रेफर होता है टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ सब्जेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर. तो हम सब किसी एक रंग के हैं, किसी कम्युनिटी के हैं, किसी एक ग्रुप के हैं, और यहाँ ऑफ कोर्स टुगेदर नॉट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन बट बिकॉज ऑफ अ शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन, ऑपरेशन
एंड रेशलाइजेशन है। तो रेस की बात है, ऑपरेशन की बात है कि किस तरह से ऑपरेशन जो है वो एक पर्टिकुलर रेस, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे का कर रही है, और हाशिए की बात है, मतलब सेंटर में ना होके, केंद्र में ना होके मार्जिन्स पे होना और उसको फिर एक्सपीरियंस करना। उस सब का जो एक कॉन्शियसनेस है वो जब उस ग्रुप ऑफ पीपल में आता है, दैट इज यू नो ब्लैक, वो है, मतलब ब्लैक को हम केवल रंग के साथ जोड़ के या कलर ऑफ द स्किन के साथ जोड़ के ना देखते हुए, दिस इज हाउ ब्लैक फेमिनिस्ट से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हु आर ब्लैक। फिर बात है ब्लैक फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस की। जैसे मैंने अभी कहा कॉन्शियसनेस, तो जब हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, मीना मुझे बियर करेंगी, मार्क्सिस्ट जो होल आइडिया ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात है, वैसे ही ये कॉन्शियसनेस है कि पहले तो यही, क्योंकि स्लेवरी की हिस्ट्री रही है, स्लेवरी का इतिहास रहा है, दास्ता का इतिहास रहा है, तो रंग भेद जो है वो तो रहा ही, लेकिन उससे पहले एक ह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब हमको इंसान की तरह भी ट्रीट ना किया जाए, ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। और फीलिंग भी ये दी जाती थी, ये हम आगे समझेंगे भी, कि कैसे सेक्सिस्ट और कैसे रेसिस्ट हमारी जो सोशलाइजेशन और कंडीशनिंग, और बेल हुक्स भी अपने काम में ये कहती हैं कि इस तरह से कंडीशन कर दिया जाता है हमारे माइंड को कि हम कैसे ये समझ लेते हैं कि वी आर बॉर्न टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड वी आर बॉर्न टू बी स्लेव्स एंड ऑल दैट, एंड फ्रॉम दैट टू ब्रिंग अ पर्सन टू कॉन्शियसनेस, अ कॉन्शियसनेस वी आर इन दे टॉक इन टर्म्स ऑफ ब्लैक फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। और ब्लैक फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस जो है is the recognition that black women are status deprived, और इसकी खुल के यू नो डिटेल में बात की गई है, और बेल हुक्स ने अपने तो बहुत अच्छे से इस किताब में भी और अपनी अन्य किताबों में भी इसकी बात बहुत अच्छे से की है, और अपनी रियल लाइफ में भी इसको प्रैक्टिस करती हैं while she teaches। तो कैसे black women are status deprived because they face, of course, discrimination face करती हैं, और किस बेसिस पे करती हैं, रेस एंड जेंडर, ये दोनों ही है ना, रेसिज्म और सेक्सिज्म की ही तो बात है पूरे ब्लैक फेमिनिज्म में, कि कैसे ये दोनों, जहां इंटरसेक्शनैलिटी की बात है, जरा सा रेफरेंस मैं उसका दूंगी, ऑल्दो आप एक दिन और इस पे बात करेंगे, तो रेस और जेंडर किस तरह आपस में लिंक्ड है और कैसे ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड जेंडर उनके साथ ये जो है भेदभाव, इज देयर अ प्रॉब्लम? नो मैडम, नो, हाँ कुछ तो आवाज मुझे है। अच्छा, तो ये जो रंग रंग भेद है और भेदभाव है, रादर भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन रेस और जेंडर के बेसिस पे, और उसका नतीजा या परिणाम क्या होता है, परिणाम है कि दे बियर द बर्डन्स ऑफ प्रेजुडिस दैट चैलेंज पीपल ऑफ कलर। सो रंग की औरतें या ब्लैक ब्लैक वुमेन जो है वो इस प्रेजुडिस का, इस भेदभाव का, इस डिस्क्रिमिनेशन का जो बर्डन है वो बियर करती हैं, इन एडिशन टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सब्जुगेशन दैट हिंडर वुमेन। तो मतलब औरत तो है ही, तो डबल डिस्क्रिमिनेशन की बात भी यहाँ आ जाती है। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो दलित फेमिनिज्म को बहुत अच्छे से या दलित वुमेन राइटिंग को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, कुछ ने बेबी हल्दार को पढ़ा होगा, कुछ ने बीव ऑफ माय लाइफ पढ़ा होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन को पढ़ा होगा, या अगर वुमेन राइटिंग की ही बात करनी हो तो अंतहीन है, बहुत सारे हैं। बामा का कितना ही लिखा हुआ लिटरेचर है, कितना उनका एक्सपीरियंस है जो हम सब पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से डबल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आ जाता है, कैसे दैट व्हाटएवर जो कुछ भी चैलेंजेस चुनौतियां हमारे सामने एक औरत होने पे होती हैं, उसके इन एडिशन टू दैट हमें, अगर हम रंग से हैं या एक पर्टिकुलर जाति से हैं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, या आप पहाड़ी हैं, या हमारे यहाँ तो होता है आप गुज्जर हैं, आप बकरवाल हैं, यू नो ये सब एड ऑन करता है, हिंड्रेंसेस को, जो रुकावटें हैं उनको बढ़ाता है। सो वहीं से इसी बात को मैं आगे एक्सप्लेन करते हुए कि डबली डिसएडवांटेज, जो मैं ये दोहरा हमारा जो शोषण होता है या दोहरी हमें जो डिसएडवांटेज हो जाती है बिकॉज ऑफ द डबल डिस्क्रिमिनेशन, और कहाँ होता है, सोशल
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। जब पहले दिन श्रम की बात कर रही थी मीना, तो वहां भी आपने क्लियरली समझा कि जब श्रम आता है तो औरतों का श्रम और पुरुषों के श्रम में कितना फर्क होता है, हाउ लेबर इज सीन। एंड आई रिमेम्बर वेरी विविडली, और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि कितना सही कहा गया है कि इन्फीरियर काम कर रहे हैं या काम इन्फीरियर है। तो इन्फीरियर लोग काम कर रहे हैं तो काम को इंफीरियर समझा जा रहा है, या काम इंफीरियर है इसलिए वो इंफीरियर है। तो ये एक बहुत अच्छी और बढ़िया और आई थिंक एक थॉट प्रोवोकिंग कि हम इस पे विचार करें, विमर्श करें और इस पे आगे कुछ यू नो रिसर्च भी करें कि क्या हम ये सब आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं इसमें अपने किए गए रिसर्च जो कि मैंने सफाई कर्मचारी के ऊपर किया था, और हमारे यहाँ भंगी बहुत है, वाल्मीकि हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं और उसमें मुस्लिम्स भी हैं, तीन तरह के हैं। तो उनपे जब मैं काम कर रही थी तो मैंने उसमें भी ये देखा था कि किस तरह से न केवल डबल डिस्क्रिमिनेशन या डबल डिसएडवांटेज, वहां ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन की बात मैंने कही थी, और बहुत सारे अन्य स्कॉलर्स ने भी ये बात कही है कि ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन है। एक तो आप औरत है, फिर आप आपकी जाति क्या है, आप भंगी कम्युनिटी से हैं, और तीसरा आपका काम क्या है, आप एक तीसरा है कि आप इंफीरियर काम करते हैं, आप गंदा करने वाला काम करते हैं, काम जिसे गंदा समझा जाता है, कम नहीं समझा जाता बट ये एक 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 स्टेज और नीचे कि उसके गंदा समझा जाता है वो काम करते हैं। तो देयर इज अ आपको वर्क का डिस्क्रिमिनेशन भी है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन भी है, और ऑफकोर्स जेंडर है। उसी तरह से वेन वी टॉक अबाउट ब्लैक वुमेन, डबली डिसएडवांटेज्ड इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर, दे ऑक्यूपाई द लोअर स्ट्रेटम ऑफ द सोशल हायरार्की। तो कहीं भी देख लीजिए, अपने आसपास भी देखेंगे तो जिन लोगों की मैं बात कर रही थी, जिनकी रिसर्च मैंने की है, वो भी हमें हमेशा नीचे वाले नजर आते हैं। आज भी उनके पास चॉइस नहीं है, मतलब अगर आप पैंडेमिक में भी देखेंगे तो वो लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं इस समय, फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हैं, सैनिटेशन में काम कर रहे हैं, सफाई का काम देखना है, हाइजीन का देखना है, क्लीनिनेस, लेकिन फिर भी दे आर लुकिंग आउट फॉर द लाइवलीहुड्स। तो कि काम अब इतना नहीं रहा है, वही लोग जो सरकारी काम कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट तरह से काम कर रहे हैं आज वो जॉबलेस हो गए हैं। तो जॉबलेस कौन हो रहा है, बाकी लोगों को छोटा मोटा काम मिल रहा है, बट द वंस हु आर एट द लोअर स्ट्रेटम, जो हमारे समाज की ये जो पट्टीदार हमने यू नो डिविजन किया हुआ है, इसमें जो सबसे नीचे, उसी तरह से ब्लैक वुमेन प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन क्लैरिकल एंड सर्विस जॉब्स एंड आर मोस्ट लाइकली टू बी सिंगल हेड्स ऑफ and of the household. I think I just missed a point here. And they are subject to multiple burdens. जैसे मैंने अभी कहा, joblessness है, domestic violence है, teen pregnancy, illiteracy है, poverty है, malnutrition है, और ये सारा जो है वो जमा हो जाता है। This is a cumulative experience. So, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और कहाँ जमा हो रहा है, किस experience में, race और gender oppression, जो कि एक basic day to day, every day one is facing, one is you know one experiences, और जो तो है ही है उसमें ये सारे जो मल्टीपल बर्डन्स हैं वो और एड ऑन कर देते हैं, जिससे कि और भी उनके लिए चुनौती बढ़ती है, चैलेंजेस इंक्रीज होते हैं। बट वाई ब्लैक फेमिनिज्म? तो अगर हम और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, नॉट जस्ट बेल हुक्स की बात करें, टेलर भी कहती हैं, और अल्टीमेट गोल ऑफ ब्लैक फेमिनिज्म इज टू क्रिएट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। तो है तो पॉलिटिकल मूवमेंट की बात, बट किस तरह से और क्यों पॉलिटिकल मूवमेंट? तो इसलिए कंबैटिंग द इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ रेशियल, सेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल एंड क्लास ऑपरेशन। हेट्रोसेक्सुअल इसलिए बिकॉज हमारे पास अब बहुत सारे ऐसे ब्लैक फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं जो होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, या इस बात के लिए भी चैलेंज या क्वेश्चन उसको वो करते हैं, इस पे भी वो प्रश्न उठाते हैं कि हमने ये जो एसेंशियलिज्म या कि ये नॉर्मल है, ये सही है, और जो ये नहीं कर रहा है वो सही नहीं है, या सोसाइटी की तरफ से जो नॉर्मेटिव बना दिया गया है वो सही है। तो हेट्रोसेक्सुअलिटी आप सबको पता है कि हमारे समाज में एक बहुत नॉर्मेटिव उसका प्रेशर रहता है, तो उसको भी वो चैलेंज कर रहे हैं, और क्लास ऑपरेशन तो है, बट इन सब के अलावा दैट आल्सो सीक्स टू डेवलप इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट व्हाट द डोमिनेंट कल्चर हैज लिटिल रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फॉर
ब्लैक वुमेन्स माइंड्स एंड बॉडीज. तो गोल जो है ब्लैक फेमिनिज्म का वो ये है कि रिस्पेक्ट एंड वैल्यू जो ब्लैक वुमेन के माइंड्स एंड बॉडीज. और ये प्लीज रिमेम्बर, ये माइंड्स एंड बॉडीज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. माइंड इज दी थॉट प्रोसेस कि क्या सोच रहे हैं. ये औरतों की सोच खराब नहीं है, कम नहीं है, फिजूल नहीं है. इनकी सोच या इनके द्वारा किए गए मंथन और विचार भी उतने ही जरूरी और उतने ही हम सब के लिए मायने रखने चाहिए और रखते हैं जितना कि किसी और का किया हुआ कार्य या रिसर्च या थॉट या व्हाटएवर. सो वो एंड देन बॉडीज की बात, क्योंकि बॉडी ब्लैक वुमेन के साथ एक बहुत, ऑल वुमेन के साथ बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर जो है उसको कैसे देखा जाता है. लेकिन ब्लैक वुमेन के साथ जो पूरा दास्ता का स्लेवरी का जो इतिहास है, उस इतिहास के चलते उनकी बॉडी का शोषण और उनकी बॉडी को किस तरह से देखा जाता है, उन्हें क्या समझा जाता है, वो एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे की ब्लैक फेमिनिज्म कहता है कि हमें, और बेल हुक्स जैसे राइटर्स ने इस बात को बहुत डिटेल में, और थोड़े समय में मैं कुछ पन्नों में से जब आपको कुछ लाइंस पढ़ के बताऊंगी तो आप समझ अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी यहाँ. एक और बात जो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जब ब्लैक फेमिनिज्म पे कुछ रीडिंग्स करेंगे या पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो आपने देखा होगा कुछ राइटर्स और ऑथर्स ब्लैक वुमनिज्म की भी बात करते हैं कि इंस्टेड ऑफ फेमिनिज्म हम वुमनिज्म लिखें क्या, या कह सकते हैं क्या. और उसमें एलिस वॉकर है, 1983 में इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ एसेज लिखा था, उसका टाइटल था इन सर्च ऑफ आर मदर्स गार्डन्स. और उसमें उन्होंने डिफरेंट तरह के वुमनिस्ट की, हु इज अ फेमिनिस्ट की जगह हु इज अ वुमनिस्ट के मीनिंग दिए थे. बहुत सारे और थे, मैं लंबा इसमें नहीं जाऊंगी, आप इसको ढूंढ सकते हैं और आप, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज सकती हूँ, आप इसे पढ़ें. लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि वुमनिस्ट जो है वो फेमिनिस्ट ऑफ कलर है या ब्लैक फेमिनिस्ट है. तो अगर वुमनिस्ट का मतलब ये है तो हम sometimes interchangeably, और बहुत सारे ऐसे authors रहे हैं, if you give me a minute मैं आपको वो पढ़ के बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे ओमेलेड ने भी पॉइंट आउट किया है, या जब वॉकर ने ये बात कही कि ये ब्लैक फेमिनिस्ट या फेमिनिस्ट ऑफ कलर है, तो बहुत सारी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ने लिटिल डिफरेंस देखा इन दोनों के बीच में. Because they both support a common agenda of black women's self-definition and self-determination. Okay, so Barbara Omelet की जो मैं बात कर रही हूँ 1994 में लिखती हैं कि black feminism is sometimes referred to as womanism because both are concerned with struggles against sexism and racism by black women who are themselves part of the black community's efforts to achieve equity and liberty. तो कुछ कारण थे जिसमें कि ये समझा गया और इस पे भी बात है, तो मुझे लगा मुझे इस पे भी थोड़ा टच करना चाहिए कि कैसे एक डिबेट है कि whether black womanism और feminism. बहुत सारी इंपॉर्टेंट ब्लैक फेमिनिस्ट हैं, पेट्रिशिया हिल कॉलिंस पे तो शायद डॉक्टर अनुरेखा भी बात करेंगी अगर वो कर पाए, अगर शी विल बी वेल. तो अदरवाइज हिल कॉलिंस के अलावा ऑफ कोर्स बेल हुक्स तो हैं, बारबरा स्मिथ हैं, ऑड्रे लॉर्ड हैं, इन लोगों ने जो है अपनी राइटिंग से, अपनी बात से, अपने विचारों से ब्लैक फेमिनिज्म को बहुत आगे बढ़ाया है और हमें बहुत सारी उसकी समझ दी है. अब कुछ मेन थीम्स हैं ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट के, एंड प्लीज रिमेम्बर समाजशास्त्री होके समझना इसको. एक दूसरा जो डिसिप्लिन बहुत अच्छे से इसको समझता है वो राजनीति शास्त्र भी है. सो पॉलिटिकल साइंस भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रखता है. जैसा कि मैंने शुरू में आपको कह दिया कि ब्लैक फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट जैसी बात है कि इसको हम न केवल बातों में बल्कि हमको पॉलिटिकली भी इसको एस्टैब्लिश करना है और अंडरस्टैंड करना है. तो अगर आप उनकी रीडिंग्स भी करेंगे, उनकी राइटिंग्स को भी देखेंगे, तो यू विल फाइंड देयर आर सम ऑफ दीज मेन थीम्स दैट डिलिनिएट द कंटूर्स ऑफ
ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो आजकल हम इंटरसेक्शनैलिटी की करते ही हैं, और आप इंटरसेक्शनैलिटी को समझते होंगे, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, वरना अगर हम चाहें तो दो लाइनें इंटरसेक्शनैलिटी की भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जहां डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर हमारे पास रेस की बात है, जेंडर की बात है, और भी बहुत सारी, पॉवर्टी की बात है, इलिटरेसी की बात है, सो सेक्सिज्म, रेसिज्म एंड ऑल दिस, ये जब इकट्ठे जो हैं, इकट्ठे अफेक्ट करते हैं, इकट्ठे इनको समझ, इनकी जो आपस में इंटरलिंकेजेस हैं, इनको समझने की जरूरत होती है, उसके लिए हमारे पास ये एक अलग आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, और एक होल डिस्कोर्स है अब हमारे पास जिसमें, जिसको हम इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। तो जब भी आप कभी ब्लैक फेमिनिज्म पे कुछ भी पढ़ें या राइटिंग्स या रीडिंग्स देखेंगे, तो ये अब स्पेशली सिंस यू नो सिंस 21st और 2000 ऑनवर्ड, स्पेशली हिल कॉलिंस एंड ऑल दैट, इन सब के कंट्रीब्यूशन से भी, एंड अदर्स एज वेल आर राइटिंग अबाउट इंटरसेक्शनैलिटी, दैट हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट, कि किस तरह से बहुत जरूरी है कि हम आइसोलेटेड ना किसी भी चीज को समझने की कोशिश करें, मतलब हम जेंडर ऑपरेशन या क्लास ऑपरेशन या रेस ऑपरेशन या कास्ट ऑपरेशन, किसी भी चीज को अलग से आइसोलेटेड नहीं समझ सकते हैं, जबकि हमें इन सब की आपस में ये एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं और कैसे लिंक्ड है, इस सब को समझना भी जरूरी है। हो सकता है मेरा इंटरसेक्शनैलिटी का समझ थोड़ा कम भी हो, बिकॉज मेरी रीडिंग्स अभी उतनी ज्यादा अपडेटेड मुझे लगता है नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू सिट थ्रू अ सेशन ऑन इंटरसेक्शनैलिटी एंड अपडेट माई सेल्फ एज वेल, आप सब लोगों के साथ अगर हो सके तो जरूर। दूसरी जो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट में, वो जेंडर इनइक्वालिटी विद इन ब्लैक कम्युनिटी है, और ये बेल हुक्स ने अपने काम में भी बताया है कि किस तरह से विद इन ब्लैक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ब्लैक वर्सेस व्हाइट देख रहे हैं, सो इट इज नॉट जस्ट ब्लैक वर्सेस व्हाइट। सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी सी और पेट्रियार्की जो है, तो वो तो ऑल इमर्सिंग है, इट इज एवरीवेयर, तो व्हाइट वुमेन एंड व्हाइट मेन है, उसी तरह से ब्लैक वुमेन एंड ब्लैक मेन भी है। So there is an absolute gender inequality within the black community as well. And वो जैसे अगर आप बेल हुक्स भी पढ़े और बाकी सब राइटर्स को भी पढ़े, तो सिविल राइट्स मूवमेंट की वो बात करते हैं, जहां पर हमें आज कौन याद रहता है, मार्टिन लूथर किंग याद रहते हैं, या बहुत सारे और लोग याद रहते हैं, बहुत men, you know, black men are remembered by history. एंड ऑफकोर्स हम लोगों का जो हमेशा से शिकायत रहती है स्त्री अभ्यास वालों की, तो रहती ही है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम खुद भी डॉक्यूमेंट कर पाए हिस्ट्री को, बिकॉज हिस्ट्री हैज बीन वेरी बायस्ड टू, हिस्ट्री हैज बीन गिविंग विजिबिलिटी टू ओनली मेन, कि किस तरह से चाहे वो आप अपने अपने संदर्भ में ये अपने इसको देख लें, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन को देख लीजिए, वहां आप पाएंगे कि कितनी ही स्त्रियों ने इनविजिबल रहकर, मतलब बिल्कुल नजर नहीं आई, किसी ने नाम नहीं लिया, कितना, और बहुत अच्छी एक किताब है, आई एम फॉरगेटिंग द ऑथर्स नेम, थोड़ा भूल रहा है, बट एक पर्टिकुलर जो किताब है ऑन दीज वुमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच टू द नेशनल मूवमेंट, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की है कि किस तरह से हम बहुत कन्वीनियंटली, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी पेट्रियार्कल वे ऑफ जस्ट हाईलाइटिंग एंड यू नो शोकेसिंग एंड मेकिंग यू नो पीपल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, कि हम सिलेक्टिव होके और पेट्रियार्कल सिलेक्टिव होके ओनली मेन की रिफ्लेक्शन देते हैं, मेन, तो हमें पता है कि बहुत सारे मेन लीडर्स हैं, वेरी फ्यू इलीट फीमेल्स को भी हम याद रखते हैं, लेकिन कितनी सारी औरतें थी जिन्होंने मे बी दे डाइड, दे बिकेम सुसाइडल बॉम्ब्स, दे वर यूज्ड टू, उनको उनको इस्तेमाल किया गया कि भाई तुम ये ले जाओ, ये बम ले जाओ, ये चिट्ठी ले जाओ, ये जितना सब मुश्किलों में से निकलते हुए तुम फेस कर लो, और वो कर भी देती थी। और ऑफकोर्स वो जो अपना हमारा हमेशा का तो है ही कि वो घर में माँ बहन बेटी बीवी बन के जो है वो ध्यान रखती रही, भाई वही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो भी था। इसी तरह से गेटिंग बैक टू द सेकंड थीम, कि इसी तरह से जेंडर इनइक्वालिटी जो है, जो हमारा जेंडर का जो भेदभाव है, वो ब्लैक कम्युनिटी में भी है। इस पर ब्लैक फेमिनिज्म अक्रॉस डिफरेंट रीडर्स एंड अक्रॉस डिफरेंट राइटर्स आपको मिलेगा कि इसकी भी वो बात करते हैं। तीसरी बात, ब्लैक फेमिनिज्म मेंटेन्स की
फेमिनिज्म जो है वो बेनिफिट करता है ब्लैक कम्युनिटी बाय चैलेंजिंग पेट्रियार्की एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर एंड एडवोकेटिंग द बिल्डिंग ऑफ कोलिशंस, कि हमें कोलिशंस बिल्ड करनी है, ये बहुत जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लैक फेमिनिज्म कहता है कि फेमिनिज्म को भी तो बेनिफिट है जब चैलेंज कर रहे हैं पेट्रियार्की को। अब ऑफकोर्स बट ब्लैक फेमिनिज्म के लिए फोकस यही रहता है कि अगर हम मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म देखते हैं तो व्हाइट वुमेन फेमिनिज्म हो जाता है, उनका एक पर्टिकुलर चार्ज है। एंड आई विल आल्सो कम टू द सम ऑफ द चार्जेस दैट ब्लैक फेमिनिज्म ने मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म पे लगाए हैं। और यही उनको आपत्ति भी इस बात की है कि हम ये एक इवन इवन फिल कॉलिंस सॉरी पेट्रिशा हिल कॉलिंस भी बोलती मुझे फिल कॉलिंस हिल कॉलिंस बोलती हैं कि हम ब्लैक फेमिनिज्म को भी होमोजेनस ना समझें। तो उसी तरह से जहां फेमिनिज्म जो है एक होमोजेनिटी की कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब ऑल विमेन आर ऑप्रेस्ड की बात कर देते हैं कि हम सब एक तरह से ही प्रताड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, तो हर हर व्यक्ति जब एक तरह का नहीं है और हर व्यक्ति को एक्सेस टू रिसोर्सेस और चीजों की चुनौतियां जो हैं उन सबके लिए अलग अलग हैं, तो किस तरह से डिफरेंट तरह की औरतें या विभिन्न कैटेगरीज की औरतें जो हैं किस तरह से एक एक जैसी जो है वो हो सकती हैं, या उनके उनके ऊपर हो रहा शोषण प्रताड़ना एक जैसी हो सकती है, नहीं। उसी तरह से ब्लैक फेमिनिज्म में भी स्पेशली कॉलिंस ने ये कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्लैक कम्युनिटी में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, में भी उसमें भी अलग अलग तरह का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव जो है वो अलग अलग तरह के हैं, तो उसको भी रिकॉर्ड करना और उसको भी एड्रेस करना और उसको भी डील करना अलग तरह से जरूरी है। लेकिन यहाँ बात हो रही है, मैं बात कर रही हूँ फेमिनिज्म की, कि मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म तो वैसे ही बहुत जनरलाइज कर देता है और जिसमें जनरलाइजेशन में ओमिट हो गया है, छूट गया है, मतलब किसी को छोड़ देना, कोई छूट जाए। आप विमेन बोले तो व्हाइट विमेन समझे, आप मेन बोले तो व्हाइट और ब्लैक दोनों समझे। ब्लैक फेमिनिज्म ये भी कहता है कि भाई विमेन कह देने से आप केवल यू नो हम आप हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रहे, आपके लिए विमेन मतलब तो व्हाइट विमेन। तो ये बात भी उनके लिए बहुत जरूरी है। और चौथी बात कि ब्लैक फेमिनिज्म इंसिस्ट करता है दैट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कॉन्शियस लॉयल्टी टू द ग्रुप, मतलब जैसे अगर ब्लैक वुमेन का ग्रुप ही है, हमारा एवरीडे एक्सपीरियंसेस से, सो चाहे वो एक जाति की औरत है आपके भारतीय संदर्भ में, कैसे उसका अपना या किसी एक क्लास श्रेणी की है, इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारे आपस में जुड़ते मिलते हुए जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं प्रताड़ना के, भेदभाव के, शोषण के, तो उससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। वो जो मैंने पहले अभी कुछ मिनट पहले आपसे कॉन्शियसनेस की बात की कि कैसे फॉल्स और क्लास कॉन्शियसनेस की बात है, तो वही फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस आना और वो भी अपने एक्सपीरियंसेस से, कि जो हम समझ रहे हैं ना, मतलब सिस्टरहुड की बात थी, स्टार्ट तो सब सिस्टरहुड से ही हुआ था, आज भी हम सिस्टरहुड की बात करते हैं। बहनचारा लोगों को बुरा लगता है, भाईचारा बोलते हैं तो अच्छा लगता है, बहनचारा बोलते हैं तो हंस देते हैं, बोलते हैं बहनचारा मतलब, तो लेकिन सिस्टरहुड आई थिंक रीडिफाइन किया जा सकता है, उसकी एक नई परिभाषा की ओर हम चल सकते हैं, लेकिन उस सिस्टरहुड का, उस सपोर्ट का बहुत जरूरी होता है। और अगर आप बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स को अगर आप देखें, है ना, जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो महंगाई के खिलाफ है या आपके बहुत सारे पर्यावरण वाले जो है एनवायरमेंट चिपको वगैरह या अपिको वगैरह, आप देखेंगे कि बहुत सारी औरतें उसमें क्यों इन्वॉल्व थी। बहुत सारी औरतें इसलिए उस सब में आती थी क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ शेयरिंग था, उनका जो सेंस ऑफ एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो उनके जो आपस में एक जैसे मिलते जुलते अनुभव थे कि भाई तुम्हें भी अच्छा, तुम्हें भी पीटता है, मुझे भी पीटता है, तुम्हें भी शराब पी के पीटता है, मुझे भी शराब पी के पीटता है, का जो एक यू नो एक धागा था जिससे वो आपस में जुड़ती गई, वैसे ही एक बिलोंगिंग और कॉन्शियस लॉयल्टी की बात ब्लैक फेमिनिस्ट भी करती हैं, जो उनके everyday experience with race, class and gender oppression आता है। फिर जो मैं दूसरी बात अभी मैंने mention भी की और मैं कह रही थी कि black feminist को कुछ आपत्ति भी है
मतलब इसीलिए तो ब्लैक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी आई और इसकी बात हुई, इस इज्म की बात आई, इस विचार की बात आई, जो थोड़ा अलग था देन द जो मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट थियरी और रिसर्च हो रही थी, या मेन स्ट्रीम जो है वो जो स्त्रीवादी थे वो काम कर रहे थे, और स्पेशली वेस्ट में जैसा हो रहा था, तो उसमें देव बीन क्रिटिकल ऑफ द लैक ऑफ सेंट्रैलिटी गिवन टू इश्यूज ऑफ एथनिक, मतलब सोचा ही नहीं कि भाई हम भिन्न हैं, एथनिक डिफरेंस है। मुझे याद है 2006 में शायद, हाँ आई थिंक 2006 में शर्मिला जम्मू आई थी हमारे विश्वविद्यालय में एमफिल का वाइवा लेने, तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उनको अपने पीजी स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन सेशन का रिक्वेस्ट किया, तो शी वेरी वेरी रेडिली अग्रीड। और मुझे और तो सब बहुत यादें हैं, लेकिन एक प्रश्न जो है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक स्टूडेंट ने किया और उनसे पूछा कि मैम आप बहुत जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिस्ट थियरी और इस सब की बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कभी पुरुष और स्त्री कभी आपस में बराबर हो सकते हैं? विल देयर बी इक्वालिटी एवर बिटवीन यू नो मेन एंड वुमेन? तो जानते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो दिस थ्रू योर रीडिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, आप ये समझ चुके होंगे, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ क्योंकि मुझे वो बात कभी भूलती नहीं। व्हेन शी सेज एंड शी सेड दिस विद यू नो, बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि जब जब जो सारे आदमी एक जैसे नहीं है, क्या वो आपस में इक्वल है? क्या ऑल मेन आर इक्वल? ऑल वुमेन आर इक्वल? वेन ऑल मेन आर नॉट इक्वल, वेन ऑल वुमेन आर नॉट इक्वल, हाउ कैन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मेन एंड वुमेन बींग इक्वल? सो बात यह है, बराबरी उस तरह से नहीं, ट्रीटमेंट बराबर। So, ये जो लैक ऑफ सेंट्रलिटी है कि मतलब अगर हम भिन्न हैं, अगर हम डिफरेंट हैं, एक जैसे तो नहीं है, है ना? हमारी बहुत सारी वेरिएबल से आप देखेंगे तो हम हर तरह से अलग हैं, नाम से अलग हैं, काम से अलग हैं, जाति से अलग हैं, जगह से अलग हैं, यू नो एथनिसिटी से अलग है, कितनी सारी हर वेरिएबल से। सी नो टू यू नो क्या टू क्या ट्विन्स आर ऑल्सो नॉट, वो भी एक जैसे नहीं होते, सेम तो कोई भी नहीं होता। तो उस तरह से उन्होंने ये बोला कि एथनिक डिफरेंस को, रेशियलाइजेशन को, कॉलोनियलिज्म को, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद को उन्होंने एकदम से इग्नोर किया है, तो रेसिज्म, इन सब का जो फेमिनिस्ट थियरी एंड रिसर्च में जो स्त्रीवादी हमारी सारी यू नो जितना भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और थियरी बिल्डिंग करते हैं उसमें इस सब की जगह नहीं थी, इस पे उनको बहुत आपत्ति थी। अब धीरे धीरे यू नो बिकॉज ब्लैक फेमिनिज्म एक फुल नया थॉट है, एक पूरी आइडियोलॉजी है जिसपे खूब सारा काम है, हम सब इस बारे में विचार रखते हैं और सेंसिटिविटीज हमारी बड़ी है, हमारे अंदर संवेदनशीलता आई है इस सब सोच विचार से, तो अब जो है वो आना शुरू। लेकिन ब्लैक फेमिनिस्ट ने इसको डेफिनेटली पॉइंट आउट किया और इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया दैट यूनिवर्सल क्लेम्स ऑफ वाइट फेमिनिस्ट डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द यूनिक एक्सपीरियंसिस एंड स्ट्रक्चरल लोकेशन ऑफ ब्लैक एंड पोस्ट कॉलोनियल वुमेन, है ही नहीं। कहाँ पर ब्लैक वुमेन क्या एक्सपीरियंस कर रही है, कहाँ लोकेटेड है, उनकी पोजिशन क्या है, उनकी चुनौतियां क्या है, उनका दिन प्रतिदिन का अनुभव क्या है, उस सब की बात ही नहीं है जो जितनी भी हमारे यहाँ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है गिवन बाय द मेन स्ट्रीम। So what they point out is, for example, that the relationship between white women and white men is not the same as that between black women and black men. Layered है, इस सब की बहुत सारी layers हैं। White women और white men आपस में क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है, और उनका जो जो भी है, मतलब that is also complex, patriarchy वहां भी है, जेंडर ऑपरेशन वहां भी है, लेकिन जो ब्लैक वुमेन और ब्लैक मेन का है और उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है जो पूरी डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए मैं कह रही हूँ एंटी वुमन की जरूरत है कि जब ब्लैक मेन ने भी सोचा ये ब्लैक वुमेन तो बहुत बात कर रही है भाई, दे आर बिकमिंग अ न्यू चैलेंज फॉर अस, इनको चुप रहना चाहिए, यू नो इनको इनको मदर्स बने रहना चाहिए, they should only look after the home, children, what if they work also? और मैं आऊंगी matriarchal myth पे भी आऊंगी जिसकी बात बेल हुक्स ने की है, तो उस पे आपको और थोड़ा क्लियर होगा कि what was I trying to say when I said this, या मैं ये जो quote कर रही हूँ कि
ब्लैक वुमेन और ब्लैक मेन में जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनका रिलेशनशिप है, जो उनका है, वो अलग है देन हाउ इट इज बिटवीन व्हाइट वुमेन एंड व्हाइट मेन. सो दे डू नॉट डिनाई दैट ब्लैक मेन ऑप्रेस ब्लैक वुमेन इन पेट्रियार्कल वेज. तो पेट्रियार्की तो है ही, जिस तरह से व्हाइट रेस में है, between white men and white women, उस तरह से है. But they argue that capitalism and patriarchy do not distribute power evenly among black and white. So black men or white men may be same नहीं है. So that there is often more solidarity in terms of shared experiences and interests between white males and females than there is between white males and black males. तो वो भी तो है, किस तरह से व्हाइट मेन आर लोकेटेड एंड ब्लैक मेन आर लोकेटेड, और ब्लैक मेन की कितने सारी इनसिक्योरिटीज और चैलेंजेस हैं, और उसमें एक एक्स्ट्रा चैलेंज का जुड़ जाना कि हमारी औरतें ब्लैक वुमेन दे आर ऑल्सो यू नो बिकमिंग अ चैलेंज फॉर अस, बिकॉज हाउ दे आर बीइंग प्रोजेक्टेड इज ओ दे आर यू नो दे आर बिकमिंग पावरफुल एंड यू नो दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी और ऐसी चीजें. सो इस तरह की बातें ब्लैक फेमिनिज्म में आई, और जो मैं चार्जेस की बात कर रही थी उसके बारे में मैं जरूर यहाँ बात करना चाहूंगी कि ब्लैक फेमिनिस्ट थियरी हैज ब्रॉट फोर पर्टिकुलर चार्जेस अगेंस्ट मेनस्ट्रीम व्हाइट फेमिनिज्म. कि व्हाइट फेमिनिज्म और व्हाइट फेमिनिस्ट थियरी और रिसर्च जो सारी है उसमें क्या नहीं है, किस बात पर ब्लैक फेमिनिस्ट को आपत्ति है, उसकी जो उसके लिए जो है वो चार बातें, वो चार चार्जेस जो है, या ये इन चार बातों की वो यू नो दे टॉक अबाउट दिस. पहली एथनोसेंट्रिज्म, दूसरी द परपेचुएशन ऑफ विक्टिम आइडियोलॉजी, तीसरा थ्योरेटिकल रेसिज्म, एंड चौथा कल्चरल अप्रोप्रिएशन. अब वन आफ्टर दी अदर मैं हल्का सा थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऑल्दो मुझे लगता है कि आपको इन चारों के बारे में कुछ थोड़ी समझ तो है, लेकिन रिपीट ही सही मैं थोड़ा सा जरूर. एथनोसेंट्रिज्म आप सब समझते हैं, लव फॉर योर ओन कल्चर की बात होती है, लेकिन जब एथनोसेंट्रिज्म की बात आ रही है तो उसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि व्हाइट फेमिनिज्म हैज इग्नोर्ड द एग्जिस्टेंस एंड स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्लैक वुमेन, है ना, सिर्फ अपनी ही बात की है, उनका कल्चर उनका क्या एक्सपीरियंस है उसकी बात नहीं की है, एंड वुमेन के एक्सपीरियंस को ओवर होमोजेनाइज कर दिया है कि अच्छा ये है और सब औरतें ऐसी हैं, सबके साथ ये एक्सपीरियंस है, और ये सारा जो है उनके अपने वाइट पर्सपेक्टिव्स और प्रायोरिटीज से आया है. सो जैसे सेक्सुअल ऑपरेशन की भी बात है तो वो यही बोलती है कि हाउ जो मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट थियरी है वो इसी पे एम्फेसाइज करती है कि ओके दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड इट हैपेंस विद ऑल वुमेन, जबकि ब्लैक फेमिनिस्ट कहते हैं द एक्सपीरियंस दैट आवर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. So that has been neglected by the mainstream. दूसरी बात है ये perpetuation of victim ideology. और ये जो victim ideology की बात है, इसमें the argument is that Western feminist theory has tended to see black women as the helpless victims of racism. तो वो बेचारी victims हैं, बेचारी के साथ ऐसा होता है. एक फीलिंग दे देना कि बिकॉज ऑफ देयर रेशियल एथनिक कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज, जो भी डिफरेंट आइडेंटिटीज उनकी हैं, सो दे हैव फेल्ड टू टेक अकाउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन रेस एंड सेक्सुअल डिफरेंस. तो ये जो फर्क है इसकी बात जो है मेन स्ट्रीम रिसर्च जो है वो नहीं कर रही है, या मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट रिसर्च जो है वो नहीं कर रही है, जिसपे ब्लैक फेमिनिस्ट को बहुत आपत्ति है. तीसरी बात थ्योरेटिकल रेसिज्म, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हुक्स ने भी कुछ कहा है और लिखा है इसके बारे में. शी टॉक्स अबाउट थ्योरेटिकल रेसिज्म भी. इसको मैं बहुत कॉमन भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ब्लैक वुमेन कहती हैं कि हम शोषित हो रहे हैं, हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सो वी आर गेटिंग ऑप्रेस्ड एंड समबडी एल्स इज क्रिएटिंग थियरी आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे व्हाइट फेमिनिस्ट समझ लिया जाए, और क्योंकि मैं कुछ नया लिख रही हूँ और मैं नई थियरी बना रही हूँ, तो उसमें जो है खुद तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन कोई दूसरा जो एक मुश्किल में है
उसके एक्सपीरियंस से मैं सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट ब्लैक वुमेन एक्सपीरियंस ब्लैक वुमेन सफर एंड व्हाइट वुमेन राइट एंड क्रिएट यू नो थियरीज एंड सो थ्योरेटिकल रेसिज्म शी कॉल्स इट एक रेसिज्म तो एक्सपीरियंस का रेसिज्म है ही रियल लाइफ रेसिज्म शी सेइंग इट्स कमिंग इन थियरी एज वेल somebody experiences the other one so she let me just read this very interesting line here if I'm able to find she argues that black and post-colonial women are expected to write from the heart so wo kehti hai jo bhi narratives hai na jo bhi autobiographies or biographies of you know these things so wherein she says that sab pucha jata hai sab likha jata hai kehna hai lekin they are expected to write from heart from the heart about their lived experiences whereas white feminists are expected to write from the head to ek theoretical racism ki wo baat explain kar rahi hain ki and to provide theory according to which black women's experiences can be analyzed and explained is baat ko main haste hue na apne sandarbh mein bhi bolti I don't know if some of my colleagues are here hum sab logon ki jinke do betiyan hain तो हम यही कहते हैं कि भाई जब तक हमारे यहाँ बेटा आई थिंक मैंने ये शायद जोगदंड सर को भी कहा था ही ऑल्सो हैज टू डॉटर्स प्रोफेसर जोगदंड हु इज बीन माय टीचर सो कि जब तक हम लोगों को एक्सपीरियंस करना है सो वी विल हैव द डॉटर्स एंड वी विल एक्सपीरियंस एंड वी विल सेट स्टैंडर्ड्स एंड देन समबडी विल राइट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि मैं नहीं लिखूंगी और कहूंगी बट मैं एक्सपीरियंस करूंगी और मेरे एक्सपीरियंस जो कि फ्रॉम द हार्ट है उसको कोई फ्रॉम द हेड थियरी बनाकर लिखे सो थ्योरेटिकल रेसिज्म की बात की आपत्ति भी ब्लैक फेमिनिस्ट करते हैं और चौथी बात कल्चरल अप्रोप्रिएशन की और इसमें वो फेमस बेल हुक्स का मडोना वाला की बात है जहां वो कहती हैं कि मडोना को अप्रिशिएट करती हैं कि कैसे she says that how you know ye sara construct hai ye beauty myth hai ye white women beautiful and white women this all that white women can also be bad and all that but then she goes on to say ki ye jo baat hai ki white women keh pa rahi hain is baat ko wo isliye keh pa rahi hain ki samaj unko acha samajhta hai to unki is baat ko ki wo buri bhi ho sakti hai ko accept kar raha hai लेकिन ब्लैक वुमेन तो ये बात ही नहीं कह सकती बिकॉज ब्लैक वुमेन आर अज्यूम्ड टू बी बैड वो तो अच्छी है ही नहीं तो वो ये कहना कि कुछ बुरी है वाली बात ही नहीं है सो बहुत सारी इस तरह की कल्चरल अप्रोप्रिएशन की बात की हर एक अपने कल्चर से ही उसको एक्सप्लेन करता है की बारे में भी ब्लैक फेमिनिस्ट थियरी बात करती है सो ऑफकोर्स जस्ट काइंड ऑफ कमिंग अप सम बिट एंड अ कपल ऑफ न्यू पॉइंट्स ऑल्सो of the black feminism going on. I think I'm taking long time so black women were deprived of every basic right in America where they were brought from Africa jo matlab main slavery ki baat kar rahi they were brought in unko slaves bana ke laya gaya tha kyunki plantation economy thi wahan par to unke reproduction sexual or material prerogatives the unko bhi le liya gaya tha unko wo azadi bhi nahi di gayi thi and unke white masters ke benefit ke liye sab kuch tha kyunki स्लेव इज स्लेव कि मैं तुम्हारा दास हूं क्या तो वो जो दास है कि दास को जो आपने कहा वो करना है मतलब जिन जो है वो हर कुछ जिन बोतल में से निकलता है और सब कुछ कर देता है ना उसी तरह से स्लेव्स भी जो हैं दे शुड बी डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर वाइट मास्टर्स एंड नॉट फॉर देमसेल्व्स इवन आफ्टर द स्लेवरी एंडेड इन अमेरिका उनका जो शोषण था ब्लैक वुमेन का वो कंटिन्यू हुआ वो रुका नहीं द कैपिटलिस्ट सिस्टम ने एक टायर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज बना दिया एंड उनको सबसे नीचे रख दिया वो जो शुरू में भी मैंने बोला लोएस्ट स्ट्रेटम लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी सबसे नीचे और फिर ब्लैक वुमेन ने सेक्सिज्म रेसिज्म पॉवर्टी स्लेवरी इन सबको फाइट करने के लिए नेशनल ब्लैक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई इसका भी रेफरेंस आपको कई जगह पे मिल जाएगा They redefined the notion of self-identity and definition that included ethnic and cultural factors. कि किस तरह से ethnic और cultural variables को factors को importance नहीं दी जाती when you are defining somebody or defining anybody's you know self-identity. उसमें तो सिर्फ ये कि अच्छा आप कहाँ से हैं, कौन हैं, कैसे हैं, किस जाति के हैं, किस उसके हैं, तो किस रंग के हैं,
लेकिन उस रंग के साथ जो कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स हैं उसको भी इम्पोर्टेंट देना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो जो मुझे तो बहुत ही सही लगती है और भारतीय संदर्भ में भी इसका मुझे लगता है बहुत अच्छा रेफरेंस आपको मिल जाएगा इन केस इफ यू सी कि लैंग्वेज जो है भाषा, किस भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं। और हमें पता है हमारा पूरी सोशियोलॉजिकल थियरी है भाषा पे, कैसे भाषा सिंबल है, कैसे पूरा पोस्ट मॉडर्न जो है वो भाषा से भरा हुआ है। चाहे दारिदा बात कर रहे हैं, सॉसरे बात कर रहे हैं, यू नो कोई भी, लखनऊ मॉफ ने इस पे थियरी बनाई है कि लैंग्वेज जो है वो एक इम्पोर्टेंट फोर्स है रीडिफाइनिंग। सॉरी, ब्लैक राइटर्स और फेमिनिस्ट क्या यूज करते हैं, वो कहते हैं हम अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम ब्लैक इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे। ब्लैक इंग्लिश का मतलब होता है द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय ब्लैक पीपल, अमेरिकन अफ्रीकन जो लोग हैं, सो यूजिंग देयर ओन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सो दे क्रिएट, सो दे आर क्रिएटिंग देयर ओन लिटरेरी हिस्ट्री, बिकॉज वो अग्री नहीं कर रहे हैं व्हाइट विमेन ने जो लिटरेरी हिस्ट्री उनके लिए क्रिएट की हुई है। दे हैव लॉट्स ऑफ एंड एज वी जस्ट नाउ डिस्कस सम बिट कि किस तरह से उसमें उनको बहुत सारी ऑब्जेक्शन हैं, दे आर क्रिटिकल अबाउट इट। सो उन्होंने अपनी लिटरेरी, और ये जरूरी भी है। एंड देन ऑल्सो नोशन ऑफ मदरहुड वॉज ऑल्सो रीडिफाइंड बाय ब्लैक वुमेन। तो कैसी माएं हैं, कैसे उनको देखा जाता था कि दे आर ब्रीडर्स, दे नीड टू हैव मोर चिल्ड्रन, दे आर ओनली यू नो दे आर द बॉडीज टू बी यूज्ड। एंड अगर वो मदर्स हैं तो कैसी मदर्स हैं, बट दे रीडिफाइन द मदरहुड एज वेल। अब दूसरा है इनफैक्ट द सेकंड पार्ट, एंड देन ऑफ कोर्स ये लिंक्ड है बेल हुक्स का आंट आया वुमन के साथ भी। लेकिन बेल हुक्स कौन है, अभी तक मैं बहुत बार उनका नाम ले चुकी, बट ग्लोरिया वाटकिंस उनका असली नाम है, पेन नेम उनका बेल हुक्स है। और वो एक की ब्लैक फेमिनिस्ट हैं जिनके काम ने बहुत सारी फेमिनिज्म और रेशियल डिफरेंस की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। पहली किताब उनकी 1981 में आंट आई अ वुमन नाम से पब्लिश हुई है। मैंने किताब आपको दिखाई थी, अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी, दिस इज आंट आई अ वुमन। एंड शी राइट्स बेस्ड ऑन द डिफिकल्ट पाथ ऑफ रेसिज्म, सेक्सिज्म, उनके अपने जीवन का जो संघर्ष था, उनके अपने जीवन का जो अनुभव था कि रंग भेद का था या क्लास का था या सेक्स पे बेस्ड जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, दैट शी एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप एंड बिकमिंग अ ब्लैक एकेडमिक इन अ व्हाइट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड एकेडमी। जो हमारे शुरू के जो हमारे दलित एकेडमिक्स थे, दे फेस्ड दिस टू क्रिएट योर ओन स्पेस, अपनी वो जगह बनाना, अपनी अपने आप को यू नो एस्टैब्लिश कर पाना नहीं मिलती है। जो लोग बहुत देर से एस्टैब्लिश होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई और आके उनकी जगह ले। लेकिन इन अ सोसाइटी, वाइट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उस अकेडमिया में अपनी जगह बना पाना, ये उन्होंने किया। अब बेल हुक्स के लिए ये जो उनकी आंटा या वुमन है, ये उन्होंने डेडिकेट की है अपनी मदर, ग्रैंड मदर। एंड अ वेरी नाइस लाइन शी राइट्स, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट में ये लाइन लिखी। और मुझे लगता है हमेशा किताब को प्रीफेस इंट्रोडक्शन से ना पढ़ के एक्नॉलेजमेंट से पढ़ना चाहिए, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट जो है वो फ्रॉम द हार्ट एंड हेड बोथ होता है। और एक्नॉलेजमेंट में आप जो आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं उसे लिखते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट में वो लिखती हैं कि आई कैन रिमेम्बर अ डिनर वेयर आई टॉक्ड अबाउट द बुक, विच बुक, आंट आई अ वुमन। 8-9 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो शी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर, जैसे हम भी रिसर्च शुरू करते हैं, आप में से बहुत मैम आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, मुझे होस्ट ने म्यूट किया भाई। वो जो था, जैसे कि हम अपनी रिसर्च में डॉक्यूमेंट्स या ऑलरेडी रिटन जो लिटरेचर है वो सब ढूंढते हैं ना बिफोर वी स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑन समथिंग। तो उस तरह से उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। एंड देन शी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हर बुक की मैं लिख रही हूँ। तो वो कहती हैं, आई कैन रिमेम्बर अ डिनर वेयर आई टॉक्ड अबाउट द बुक
And one person in a big booming voice, choking with laughter, exclaimed, "What is there to say about black women?" तो मतलब ये सोच थी तब, ऐसा ऐसा ऐसी मानसिक अवस्था थी लोगों की कि उन्हें लगता था कि ब्लैक वुमेन के बारे में लिख रही हो भाई, उनके उनको उनके बारे में कहने लिखने के लिए क्या है. एंड ऑल्सो आई लाइक हर डेडिकेशन वेयर शी सेज दिस बुक इज डेडिकेटेड टू रोजा बेल वॉटकिंस हु टॉट मी एंड ऑल हर डॉटर्स दैट सिस्टरहुड एम्पावर्स वुमेन बाय रिस्पेक्टिंग प्रोटेक्टिंग एनकरेजिंग एंड लविंग अस. तो वो तो की, लेकिन सिस्टरहुड से ये सब हम आपस में कर सकते हैं, ये मुझे एक्नॉलेजमेंट में बहुत अच्छा लगा. आइए वापस यहाँ आए. सो शी एक्सपीरियंस्ड रिलेंटलेस पनिशमेंट फॉर स्पीकिंग आउट. उनकी एक किताब है ना, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, टॉकिंग बैक करके भी किताब है फेमिनिस्ट थियरी के बारे में, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छे से, उसके बारे में मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, बट जस्ट गिविंग यू अ क्यू सो दैट इन केस यू वांट टू रीड यू कैन लुक आउट फॉर इट. द पीडीएफ आई थिंक अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कि जहां बहुत अच्छे तरीके से शी हैज यू नो नरेटेड हर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और इस बात पे बहुत जोर दिया है उन्होंने कि बोलना क्यों जरूरी है. बिकॉज शी सेज, मैं उसकी बात करूंगी, यहाँ कहीं मैंने लिखा भी होगा कि हाँ, साइलेंस, शी बिलीव्ड दैट स्पीकिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइलेंस इज अ कंडीशन ऑफ ऑपरेशन, कि चुप रहना. वो मीना ने उस दिन फेमिनिस्ट गाने, तो मुझे जागोरी के गाने याद आ गए कि हम जब स्टूडेंट्स थे तो हम सब वो गाते थे कि तू तू बोलेगी मुंह खोलेगी तब तभी तो जमाना बदलेगा, है ना. हम वो गाते थे कि चार गज की ओढ़नी, ओढ़नी के कोने चार. तो बोलना बहुत जरूरी है चुप रहने से. एंड ये बात वो कब कह रही थी, शी वॉज टॉकिंग यू नो 70s खत्म हो रहा था, 81 में वो पब्लिश करती हैं, और ये सब बातें वो कहती हैं और अपने एक्सपीरियंस को लिखती हैं. सो शी सेज, मुझे बहुत पनिश किया गया था, मुझे क्रेजी कहा जाता था, मुझे चुप कराया गया, मुझे सप्रेस किया गया, मुझे कहा गया कि अगर तुम साइलेंट नहीं रहोगी तो एक यू नो यू विल नॉट गेट दोस ट्रेट्स ऑफ अ गुड वुमन, ऑफ बीइंग अ गुड वुमन. एंड शी राइट्स, इफ वी आर अनएबल टू रेजिस्ट एंड एंड डोमिनेशन इन रिलेशंस वेयर देयर इज केयर, इट सीम्स टोटली अनइमेजिनेबल दैट वी कैन रेजिस्ट एंड एंड इट इन अदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशंस ऑफ पावर. मतलब ये कहने की बात होगी कि बाहर जो है हम बहुत आंदोलन कर रहे हैं, मैं आज यहां बैठकर जो है आपको भाषण दे रही हूँ, और इससे पहले मैंने सोयपा भी किया है, बच्चों को भी देखा है, खाना भी बनाया है, कपड़े भी धोए हैं, घर का काम कर लिया है, आई बीन अ नाइस यू नो एंड आई एम आल्सो डूइंग दिस. आई शुड बी एबल टू एक्सेप्ट दैट अ वर्क विच इज कंसिडर्ड अ वुमन्स वर्क इज कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाय समवन एल्स. एंड अगर वो चेंज हम ला पा रहे हैं, जो कि पैंडेमिक ने हमें बहुत दी है, और मुझे आई डोंट नो कितने दूर तक इसकी एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन इस बात की खुशी है कि घर के काम को अब लाइफ स्किल की तरह देखा जाने लगा है, कि इट इज लाइफ स्किल. ऑल्दो इस पे बहुत ह्यूमर हुआ है, बहुत मीम्स बने हैं, बट स्टिल देयर हैज बीन मतलब जहां एक तरफ महामारी ने हमें बहुत परेशान किया है, हमें कुछ थोड़ी सी रेज ऑफ होप भी दी है. बात करते हैं फिर से बेल हुक्स की. कहती हैं कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. Women must link personal pain to strategies for resistance and transformation. खुद आप जिस दर्द से निकले हैं उसे इस्तेमाल करिए ना चेंज लाने के लिए. मुश्किल होता है, one understands that not everyone is located. बहुत सारे लोग आप में से मुझसे ये सवाल भी कर सकते हैं कि मैम हर औरत जो है इस तरह का decision नहीं ले सकती, या इस तरह की आंदोलनकारी नहीं हो सकती, या इवन फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट लेना बहुत मुश्किल है. लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है इफ यू मेक अ बिगिनिंग. वॉट इफ दैट बिगिनिंग इज स्मॉल एंड देन देयर विल बी पीपल जॉइनिंग इन. यही तो सिस्टरहुड की बात है कि एक से एक जब साथ दे तो इसलिए हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेन है, हम उसे शेयर भी करें, उसको स्ट्रेंथ भी बनाए, रेजिस्टेंस की तरफ बढ़े और फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाए, है ना. सो साइलेंस की तो मैंने बात कर दी. वो कहती हैं कंडीशन ऑफ ऑपरेशन है. सो वो कैसे डिफाइन करती हैं फेमिनिज्म को? वो कहती हैं फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट टू एंड सेक्सिज्म, सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन. मतलब ये जो कि ओके ये नारीवादी जितनी है, स्त्रीवादी जितनी है, ये सब घर तोड़ने वाली हैं,
ये सब झोला छाप, ये जीनवाली, ये बालकटी, हाँ ये तो शादी के चिन्ह भी नहीं पहनती हैं, कैसे ड्रेसअप होती हैं, हाँ इनसे दूर रहिए, या ये सब आदमियों से नफरत करती हैं। ये सब मिथ्स हैं, ये सब कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये सब क्या कहते हैं, आपका जो मिशन है, जिस काम के लिए आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसको उसको फेल करने के लिए। तो शी सेज मूवमेंट इज नॉट अबाउट बीइंग एंटी मेल, दिस होल ब्लैक फेमिनिज्म प्रॉब्लम इज सेक्सिज्म। बोथ फीमेल्स एंड मेल्स हैव बीन सोशलाइज्ड इन एक्सेप्टिंग सेक्सिस्ट थॉट एंड एक्शन। मान के चलते हैं ना, औरतें तो उतना, औरतें भी उतना ही मानती हैं जितने मर्द मानते हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक ब्लेम गेम कि उसका कसूर ज्यादा है और इसका कसूर कम है। सो फीमेल्स कैन बी एज सेक्सिस्ट एज मेन। सो टू एंड पेट्रियार्की वी नीड टू बी क्लियर, एंड दिस इज ऑल व्हाट हुक्स इज राइटिंग। आई एम नॉट सेइंग इट, आई बिलीव इन इट, बट ये वो कह रही हैं कि पेट्रियार्की खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हमें एकदम अपना साफ दिमाग रखना पड़ेगा, और ये जानना पड़ेगा, ये हमें मानना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हम सब पार्टिसिपेंट हैं इन परपेचुएटिंग सेक्सिज्म। मतलब शादी करनी है तो गोरी लड़की चाहिए, लंबी चाहिए, संस्कारी चाहिए, कॉन्वेंट एजुकेटेड चाहिए, जॉब वाली चाहिए, जिसको ये भी आता हो वो भी आता। आप सब पढ़ते हैं मैट्रिमोनियल एड्स, और अपनी सब कास्ट भी अपनी होनी चाहिए। और हम खुद, एंड हम, व्हेन आई एम सेइंग, आई एम आल्सो सेइंग मोस्ट ऑफ इट, आई एम फोकसिंग इज विमेन, वो खुद इस सब में भागीदारी करती है, और जब वो खुद इसमें भागीदारी करती हैं, तो हम भी तो सेक्सिज्म को परपेचुएट कर रहे हैं। तो तब तक चलता रहेगा अंटिल वी चेंज आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। ये बेल हुक्स कह रही हैं, अंटिल वी लेट गो ऑफ सेक्सिस्ट थॉट एंड एक्शन एंड रिप्लेस इट विद फेमिनिस्ट थॉट एंड एक्शन। ये वो कह रही हैं कि सिर्फ सिर्फ कह देने से नहीं चलेगा, अपने एक्शन को भी बदलना पड़ेगा। So, जो हम अपने डिस्कॉर्स में या एवरीडे क्लासरूम में बोल रहे हैं या अपने आर्टिकल्स में लिख रहे हैं, उसको कितना हम अपने जीवन में और जीवन शैली में ला रहे हैं, ये भी जरूरी है। Why is it not moving? एक मिनट जी। So now coming to the last part of my today's discourse, the book. Aren't I a woman? This was published during the time. ये आप सबको अब समझ में आ गया अब तक की बातचीत से कि मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म जो था वो व्हाइट मिडिल क्लास वुमेन का था, बट प्लाइट ऑफ ब्लैक वुमेन वॉज इग्नोर्ड। और ये जो टाइटल लिया है बेल हुक्स ने, ये सुजॉर्नर ट्रूथ, ये एक्चुअली इजाबेल था इनका नाम, लेकिन इन्होंने, एंड ये स्लेवरी से निकली हुई थी, ट्रूथ की जो स्पीच थी 1851 में, एंड दैट वाज अ कटिंग एज स्पीच, जहां उन्होंने कहा आंट आई अ वुमन। और मैं ना ये स्पीच पढ़ना चाहती हूँ, इट्स जस्ट अ पैराग्राफ, ऑल्दो किताब में आंट आई अ वुमन में नहीं है, बट आई डिड ट्राई टू लोकेट इट। आप मुझे बस एक मिनट दीजिए। यस, एंड जस्ट सुनिए कि ये 1851 मतलब मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में एक ब्लैक वुमन हु हैज एस्केप्ड स्लेवरी, वो ये कह रही है कि वेल चिल्ड्रन, वेयर देयर इज सो मच रैकेट, देयर मस्ट बी समथिंग आउट ऑफ किलर। आई थिंक बिटवीन द नीग्रोज ऑफ द साउथ एंड द वुमेन ऑफ द नॉर्थ, ऑल टॉकिंग अबाउट राइट्स, द व्हाइट मैन विल बी इन अ फिक्स प्रिटी सून। व्हाट्स ऑल दिस टॉकिंग अबाउट? दैट मैन ओवर देयर सेज that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody helps me any best place. And aren't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed, I have planted, and I have gathered into barns. And no man could head me. And aren't I a woman? I could work as much and eat as much as any man when I could get it, and bear the lash as well. And aren't I a woman? I have borne children and seen most of them sold into slavery. And when I cried out with a mother's grief,
None but Jesus heard me, and aren't I a woman? This is a quote that I used. This is her speech which has been published. तो आप देखिए, मतलब वो बार बार कह रही हैं कि भाई मैं इंसान नहीं हूं, मैंने काम किया है, मैं खा सकती हूं, मैं जी सकती हूं, मैं रो सकती हूं, तो मैं औरत नहीं हूं, जस्ट बिकॉज आई एम अ ब्लैक वुमन, जस्ट बिकॉज आई हैव बीन सीन एज अ स्लेव. सो ये वहां से है, और बुक्स ने बिल्कुल अच्छे से उनको एक्नॉलेज करके उनके बारे में बात भी की है अपने चैप्टर्स में. So, Hooks described that white feminist scholars simply ignored the existence of black women or wrote about them using common sexist and racist stereotypes. जो मैंने आपसे बात की, लिखने में बड़ी कैसा लिखा जा रहा था उसमें बड़ी दिक्कत थी, और Hooks ने भी इस बात को कहा है इस किताब. They also failed to challenge the racist sexist tendency to use the term woman to refer solely to white women. ये मैंने पहले भी कहा कि जब woman लिखा मतलब तो white women. Therefore, Hooks wanted black women to take up their rightful space in the feminist discourse. Now, this book has many chapters. In fact, to be precise, if I have to tell you, this has 5 chapters and 1 introduction. So if introduction you count, it's the 6th. First chapter is Sexism and the Black Female Slave Experience. Number 2 is Continued Devaluation of Black Womanhood. Teesra jo hai, wo Imperialism of Patriarchy. Matlab Pitrisatta ka jo imperialism hai, upniveshwad samajh lijiye ya kya bolte hai, uski mujhe Hindi yaad nahi aa rahi, aap mein se shayad koi bata dega. Chautha jo hai, wo Racism aur Feminism ki baat hai, jisme wo Accountability ki baat karti hai. Aur 5th, Black Women and Feminism ki baat karti hai. So the range of subjects जो उन्होंने cover किया है इन सब chapters में, वो है impact of sexism and racism on black women during slavery. बहुत पहले chapter में तो इतने अच्छे से और इतना detail में किया है. I will read out a couple of lines for you. फिर उन्होंने devaluation of black womanhood की बात की है कि किस तरह से हमेशा slavery में भी devalued थी, slavery खत्म हो जाने के बाद भी उनका कोई मूल्य नहीं. कि रंग की औरत होना, एक black woman होना, जो है वो किस तरह से हीन समझा जाता था, नीचा समझा जाता था. फिर वो सिविल राइट्स मूवमेंट की बात करती हैं, फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट, सुफ्रेज मूवमेंट से लेकर 70s, वो सुफ्रेज भी इंपॉर्टेंट थी, आपको पता है कि वोट देने का जो अधिकार है उसका जो आंदोलन हुआ है बहुत, और उसमें भी अगर आप रंग के हैं, ब्लैक पीपल हैं, ब्लैक विमेन हैं स्पेशली, तो किस तरह से क्या स्ट्रगल रही होगी. फिर वो ब्लैक मेल सेक्सिज्म की बात करती हैं कि सेक्सिज्म तो है, लेकिन जो ब्लैक कम्युनिटी में ब्लैक मेल्स करते हैं उसकी बात करती हैं. रेसिज्म विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट, उसके अंदर कितना फेमिनिस्ट मूवमेंट में ब्लैक वाइट का कितना भेदभाव है उसकी बात. और फिर वो जो लास्ट मैंने चैप्टर टाइटल भी आपको बोला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लैक वुमेन विद फेमिनिज्म की बात करती है. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. वो कहती हैं कि सुजोर्नर ट्रूथ जो है, जिनकी मैंने बात की अभी, जिनकी स्पीच में आंता ही वुमन था, शी सेज शी वाज़ द मोस्ट आउटस्पोकन ब्लैक वुमन ऑन दिस इशू. शी आर्ग्यूड पब्लिकली इन फेवर ऑफ वुमन गेनिंग द राइट टू वोट एंड एम्फसाइज दैट विदाउट दिस रिस्क ब्लैक वुमन वुड हैव टू सबमिट टू द विल ऑफ ब्लैक मैन. ये पेज 4 से ले रही. कहती है कि although black women and men had struggled equally for liberation, है ना, men women तो दोनों ने ही किया, slavery तो दोनों के लिए थी, and much of the reconstruction era, but black male political leaders upheld patriarchal values. As black men advanced in all spheres of American life, they encouraged black women to assume a more subservient role. Gradually, the radical revolutionary spirit that had characterized the intellectual and political contribution of black women in the 19th century was quelled. While black women participated equally with black men in the struggle for survival by entering the workforce whenever possible, they did not advocate an end to sexism. And 20th century black women had learned to accept sexism as natural. Ye wo false consciousness ki baat.
as natural, a given, a fact of life. And when the civil rights movement began in the 50s, black women and men again joined together to struggle for racial equality. Katha kaam kiya unhone, jo maine aapko bola beech mein ki kis tarah se keval black men jo hain unhi leaders ke naam hume yaad rahe. Yet black female activists did not receive the public acclaim awarded to the black male leaders. Sexist role patterning was as much the norm in black communities as in any other American community. It was an accepted fact among black people that the leaders who were most revered and respected were men. So they, and even the, you know, the whole, this whole rightness of patriarchy was not questioned. And in contrast, what actually happened, they demanded, and I'm reading from page 5. They demanded that black women assume a subservient position. Black women were told they should take care of household needs and breed warriors for the revolution. What had begun as a movement to free all black people from racist oppression became a movement with its primary goal, the establishment of black male patriarchy. So, kis tarah se uddeshya hi badal gaye? किस काम के लिए आपने ब्लैक फेमिनिज्म शुरू किया या आपकी पूरी सॉरी ब्लैक फेमिनिज्म नहीं द होल मूवमेंट स्टार्ट की लिबरेशन और उस लिबरेशन का जो मकसद था कि ऑल ब्लैक नीड्स टू बी लिबरेटेड तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्लैक मैन पेट्रियार्की हो गया उसका. सो आयरनिकली व्हाइल द रीसेंट वुमेन्स मूवमेंट कॉल्ड अटेंशन टू द फैक्ट दैट ब्लैक वुमेन वर dually victimized by racist and sexist oppression, white feminists tended to romanticize the black female experience rather than discuss the negative impact of that oppression. मतलब जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि ये औरतें जो हैं ये विक्टिम हैं, ये शोषित हो रही हैं, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह दिया जाता था अरे ये तो बहुत पावरफुल है, इनमें तो बहुत ताकत है, ये तो सब बियर कर लेंगी, दे विल इमर्ज, इनके लिए तो क्या ये सब It is, ये तो बाएं हाथ का खेल है, you know, that kind of a thing. So, she says, we appeared to have been unanimously elected to take up where white women were leaving off. They got Miss MS Magazine, we got Essence. They got books discussing the negative impact of sexism on their lives. We got books arguing that black women had nothing to gain by women's liberation. Black women were told, sorry, Black women were told that we should find our dignity not in liberation from sexist oppression, but in how well we could adjust, adapt, and cope. We had been asked to stand up and be congratulated for being good little women and then told to sit down and shut up. No one bothered to discuss the way in which sexism operates both independently of and simultaneously with racism to oppress us. So when black people are talked about, the focus tends to be on black men. And when women are talked about, the focus tends to be on white women. ये कुछ अंश थे introduction में से, और भी बहुत है, but बहुत ही I would say forceful है. इसको पढ़ के आपके अंदर भी कुछ ऐसा you know जागृत हो सकता है, क्योंकि वो history, वो experience, ब्लैक वुमेन की बात करना हमारे भारतीय संदर्भ में भी ऐसा बहुत कुछ होता है और हमें उसकी रिफ्लेक्शन जो है अपने आसपास की रियलिटी में दिख जाएगी और दिखेगी भी. और जो बहुत सारी बातें हैं जो कुछ अगर समय अगर 5-10 मिनट और होंगे तो मैं कुछ फ्यू लाइंस पढ़ूंगी. तो नेगेटिव स्टीरियोटाइप बहुत है कि मतलब ये सेक्सुअली इमोरल लूज औरतें हैं, स्लेवरी से शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, दे कैन बी रेप्ड, दे वर फोर्स्ड इनटू दैट. हुक्स ने बहुत अच्छे से व्हाइट फेमिनिज्म ब्लैक फेमिनिज्म के डिफरेंस की बात की है जो हम करते चले आ रहे हैं बात. उसने इंपीरियलिस्ट पेट्रियार्कल और कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात की है. फिर पोस्ट पोजिशन ऑफ ब्लैक वुमेन इन अमेरिका स्लेव्स एंड कैसे डबल ऑपरेशन था उसकी बात की है. फिर टर्नआउट जो ब्लैक वुमेन का था इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन 70s वो कम क्यों था उसके बारे में भी इस किताब में बात की है. एक मेट्रियार्क मिथ की बात है तो पेज 179 टू 181 पे है. इफ यू अलाउ मी, ये जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है. कुछ अगर पीछे का मिस भी हो जाए कोई बात नहीं, बट ये जरूर मैं बताना चाहूंगी कि ये मेट्रियार्कल मिथ की क्या बात है. और ये
मोनियन एक राइटर हैं, 65 में पब्लिश किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है एंड उसको यूज किया है बेल हुक्स ने एज रेफरेंस इन हर राइटिंग, कि रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक मेन इन द वर्कफोर्स कॉज्ड ब्लैक फैमिलीज टू हैव अ मेट्रियाकल स्ट्रक्चर. मतलब उसने सजेस्ट किया अपनी राइटिंग में कि एक मेट्रियाकल स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया है, which he asserted was out of line with the white American norm, the patriarchal family structure, the white norm to patriarchal tha, and that this prevented the black race from being accepted into the mainstream of American life. To ye matriarchal myth create ki gayi ki ab jo unka society hai wo matriarchal hona shuru ho gaya hai aur ye against the American norm hai to isliye accept, jabki ye ek myth thi. They were not becoming matriarchal. The matriarchies mein to power with women hai, everything with women hai, but by labeling black women matriarchs, what he was implying was that those black women who worked and headed households were the enemies of black manhood. And his generalization about black family structure, though erroneous, had a tremendous impact upon the black male psyche. Dimag mein to dal gaya na, likh diya, keh diya, uske bare mein baatein hona shuru ho gayi. और लोगों ने ये सोचना और मानना शुरू कर दिया कि ऐसा ही हो रहा है, औरतें तो ये ब्लैक वुमेन तो बहुत पावरफुल हो जा रही है, ये तो मेट्रियार्क बनती जा रही है. और लाइक द अमेरिकन व्हाइट मेल इन द 50s एंड 60s, ब्लैक मेन वर कंसर्न्ड दैट ऑल वुमेन वर बिकमिंग टू असर्टिव एंड डोमिनियरिंग. द नोशन दैट मॉडर्न वुमेन वर इमैस्कुलेटिंग मेन हैड इट्स ओरिजिन नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्लैक वुमेन एंड ब्लैक मेन ओवर सेक्स रोल पैटर्न्स, बट in the overall conflict in American society over the issue of sex roles. ये केवल उनके तक सीमित नहीं था, उस पूरी American society में कैसे sex roles हो रहे थे उसकी बात bell hooks कर रही है. Black women came to be depicted as female castrators par excellence, though not because they were inherently more assertive and independent than white women. History shows that white women were actively competing in the male-dominated power structure long before black women, because there was no racial barrier to make entrance into that sphere completely impossible. है ना, racial barrier white women के लिए नहीं था, इसलिए वो बहुत समय पहले से ही इसमें आके अपने लिए जगह बनाना शुरू हुई through their own feminism, through their own voicing for rights, and black women के लिए barrier था. Sexist ideology was a core of the matriarchy myth. Implicit in the assertion that black women were matriarchs was the assumption that patriarchy should be maintained at all costs. So black men ne socha, ye to rokna hoga, iske liye hume patriarchy ko strong karna hai. Should be at all costs, and that the subordination of the female was necessary for the healthy achievement of manhood. The extent to which black men absorbed this ideology was made evident in the 60s black liberation movement. Black male leaders of the movement made the liberation of black people from racist oppression synonymous with their gaining the right to assume the role of patriarch, of sexist oppressor, by allowing white men to dictate the terms by which they would define black liberation. Matlab white men deciding black liberation kya hai. Black men chose to endorse sexist exploitation and oppression of black women, and in so doing they were compromised. They were not liberated from the system, but liberated to serve the system. Hooks likh rahi hai. The movement ended and the system had not changed. It was no less racist or sexist. Ye maine matriarch myth ke reference mein aapko padh ke sunaya, page 179 to 181. And of course, women were forced in slavery, raped, devalued. Page 53 pe bahut lamba choda uska description hai. Fearless details, especially in chapter 1, sexism and the black female slave experience hai, ki usme kis tarah se ek wahan ek chota sa jo bell hooks ne likha hai ki ek white women hai slavery ke dauran wo apne kamre mein ghar mein chali jati hain wapas aur dekhti hain ki uska husband is raping a 13 year old slave girl, to usme apne husband ko kuch nahi kehke wo us 13 ईयर ओल्ड को इतना टॉर्चर करती हैं, इतना फिजिकली मारती पीटती हैं कि जो सीनियर स्लेव्स हैं वो उन्हें कहते हैं कि भाई इसको क्यों मार रही हो, तो उसने बोला ताकि ये लेसन लर्न करे कि आगे से ऐसा करने से पहले इसे याद आना चाहिए कि इसको कितनी मार पड़ सकती है. और इसका रीजन जो हुक्स एक्सप्लेन करती है वो ये कि क्योंकि द इंटरनलाइजेशन जो सोशलाइजेशन से हुई है
वाइट वुमेन और मेन के, स्पेशली वुमेन के दिमाग में भी वो ये कि ब्लैक वुमेन एंड ब्लैक वुमेन स्लेव्स दे आर द वंस हु एक्चुअली सेक्सुअली जो वो है वो ल्योर करते हैं वाइट मेन को. तो अगेन वो सारा जो वहां से नेगेटिव ट्रोपिंग आया है वो अभी तक चल रहा है. एंड ऑफकोर्स दे वर फोर्स्ड टू मेंटेन साइलेंस. Racist and sexist socialization conditioned them to devalue femaleness and accept race as the only identity. मतलब मैं औरत हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं था और ये नहीं सिखाया जाता था औरतों को, बट मैं एक यू नो कलर्ड ह्यूमन, मतलब मैं एक ब्लैक पर्सन हूँ, ये इम्पोर्टेंट हो जाए. रेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम हीन हैं, हम कम हैं क्योंकि हम रंग वाले हैं, हम काले हैं, हम भूरे हैं, इसलिए हम कम हैं. तो यही हमारी आइडेंटिटी है, इसके बियॉन्ड सोचने का सिखाया ही नहीं जाता था. सो मुझे लगता है मच अवेटेड स्लाइड होती है सबके. मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ. वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है और, लेकिन चलिए चर्चा के लिए कुछ समय रखना चाहिए. तो आप में से अगर मुझे कुछ कहना, बोलना, सुनना, पूछना चाहे और एड ऑन करे मेरी नॉलेज में, तो थैंक यू. आई विल वेलकम दैट. थैंक यू मैडम, बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन किया है. बहुत सारे कमेंट्स भी चैट बॉक्स में आ गए हैं. आज का जो लेक्चर है कि एक दो लाइन में मैं बोल दूंगा, सभी जो सदस्य है वो भी सुन ले. दो दिन पहले मैम की जो बच्ची है वो हॉस्पिटल से घर आई है, और क्योंकि हेल्थ क्राइसिस जो है तो घर में शुरू है, इसके बावजूद भी मैम ने आज का जो लेक्चर जो फुल फोर्स से दिया है, जो पैशन से दिया है, तो मैं आपके लेक्चर के लिए मैं प्रणाम करना चाहता हूँ. बहुत बढ़िया आपने जो थ्री ब्लैक वुमन जो कंसेप्ट है, वाइट वुमन कंसेप्ट जो, तो बहुत क्लियरली आपने उसका जो डिविजन है वो बता दिया है. जो पहली बात आपने किया कि जो कास्ट जो वुमन होती है उसके थ्री लेयर होते हैं कि वायलेंस की, और ब्लैक वुमन के फोर लेयर्स होते हैं. ब्लैक होने का भी एक उनका जो प्रॉब्लम है, ये भी वायलेंस इसके ऊपर भी हो जाता है. ये भी हमारी जो बात है आपने रखी है, हमें पूरी समझ में आ गई है. एंड एक्चुअली जो आपने जो यहाँ पे डिबेट किया है, जो एक्चुअली जो सभी जो सहभागी सदस्यों के सामने एक डिबेट रखा है, ये आगे चल के हमें फेमिनिज्म में भी जो एक्चुअली ब्लैक फेमिनिज्म और वाइट फेमिनिज्म जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसके बारे में भी आपने बहुत सारी बातें रखी है. मेरे ख्याल से जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे, मेरे सभी साथी जब फेमिनिज्म पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उसके ये जो आपका ब्लैक और वाइट फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है, अब ये जो है एक्चुअली ये हम लेके जाएंगे और हम भी स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे. मेरे ख्याल से जो हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है, तो आपने आज बहुत बढ़िया वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है. बहुत जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे फोर्थ को, बहुत आपकी जो लेक्चर है उसका जो बहुत सारा जो ज्ञान है हम लेके वो एक्चुअली पढ़ेंगे, और हमारा जो क्लैरिफिकेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा. मेरे ख्याल से आपने जो डिस्कशन किया है और सबके सामने जो क्वेश्चंस रखे हैं, ये एक क्वेश्चन लेके सभी साथी आगे जाएंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और यह आपका आज का बहुत बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. जो सहभागी सदस्य है उनके कुछ चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, या जिनको कुछ प्रश्न है तो हाथ रेज कर दीजिए, फिर उसका साउंड जो है तो अनम्यूट किया जाएगा. पहले हम चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन है उसको ले लेंगे. एक्चुअली मिलिंद चौहान का प्रश्न है मैम, व्हाट कैन बी द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक फेमिनिज्म एंड दलित फेमिनिज्म. देखिए ये बहुत ही एक्सपेक्टेड सवाल था. इनफैक्ट
अगर मेरे पास ऑलरेडी इतना सब कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो ये एक मेरी पसंदीदा बात थी कि मैं आपसे करती, क्योंकि आपस में उनका डेफिनेटली पैरेलल्स हैं और सिमिलैरिटीज भी हैं, और सिमिलैरिटी जैसा कि बात करते बिल्कुल हुए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और आप उससे समझे होंगे कि जब मैं कह रही थी जहां रेस है वहां हमारे यहाँ जाति है, हमारे संदर्भ में वो जाति है, जहां मैंने डबल डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपको ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन का रेफरेंस दिया अपने रिसर्च के थ्रू, वो दलित फेमिनिज्म को टच करता हुआ है कि एक दलित स्त्री जो इंडिया में है, और अगर आप पूरी ब्रह्मानिकल पेट्रियार्की पे और जो उमा चक्रवर्ती ने कहा है, और उमा चक्रवर्ती अगर आप बाबा साहब के वर्क को भी देखेंगे तो आपको उनमें भी आपको वो सारी रिफ्लेक्शन मिलेगी कि किस तरह से, जिस तरह का शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन वेस्ट में, अमेरिका में ब्लैक वुमेन के साथ होता रहा है, उसी तरह का जो है दलित वुमेन के साथ यहाँ होता रहा है। मतलब दलित वुमेन को अपनी अपनी पोजेशन समझना, मतलब हमने कितना कुछ देखा है, और बहुत सारा डॉक्यूमेंट और कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, मतलब ऑल्दो फिल्में तो टीशर्स होती हैं, बट एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी भी होती है, पढ़ा होगा, मतलब कितने सारे उपन्यास हैं इस पे और राइटिंग्स हैं कि इफ एक अगर लो कास्ट एक दलित पुरुष जो है वो जमींदार के यहाँ काम कर रहा है, तो वो जमींदार न केवल उसको अपनी मलकियत समझता है बल्कि उसकी उसकी पत्नी को भी अपनी मलकियत समझता है। मतलब एक राइटफुली वो उसके उसको सेक्सुअल फेवर्स के लिए बोलता है और एक्सपेक्ट करते हुए कि दिस वुड बी मेट विद, तो ये एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात। फिर किस तरह का काम दलित औरतें करती हैं वो, और फिर तीसरा कि उनके साथ एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, हाउ हैव दे ग्रोन अप। एक लाइफ ऑफ स्कैवेंजर गर्ल चाइल्ड पे किताब है शायद भद्रा, जैसे भद्रा की लिखी हुई, तो मुझे टाइटल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वो किताब है कि गर्ल चाइल्ड उस पे, और बीच में मैंने आपको दलित वुमेन ऑटोबायोग्राफीज की, मैंने बेबी हालदार की बात की, मुझे अगेन उसका टाइटल भूल रहा है, या वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री, या वनम्मा की किताब, बामा की राइटिंग्स, या फिर हमारे पास और बहुत वी ऑफ लाइफ है ना, जीना अमचा वाली, और बहुत सारी ऐसी जिसमें यू विल सी वो सारी राइटिंग्स नैरेटिव्स ऐसे हैं जो बहुत हद तक आपको, जब आप ब्लैक फेमिनिस्ट नैरेटिव्स और ब्लैक फेमिनिस्ट राइटिंग्स को पढ़ेंगे तो आपको सिमिलर लगेंगे, आपको उनमें एकदम से सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। यस देयर विल बी डिफरेंसेस, क्योंकि हमारा जो एक्सिस यहाँ है वो कास्ट का है और वहां एक्सिस जो है वो रेस का है ना, यहाँ जो है वो, और प्लीज रिमेम्बर अगर इलिटरेसी, पॉवर्टी, सेक्सुअल ऑपरेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एवरीथिंग ब्लैक फेमिनिज्म में आपने जाना कि किस तरह से वहां जरूरत है उसके, किस तरह से उनको उन सब स्फेयर्स में एक्सप्लॉयटेशन फेस की गई है उनके द्वारा, उसी तरह से इफ यू लुक हियर दलित फेमिनिस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स यू शुड रीड शर्मिला रेगे'स वर्क। ईपीडब्ल्यू में एक बहुत बढ़िया डिबेट है गोपाल गुरु, शर्मिला रेगे, उन सब की ऑन द दलित स्टैंडर्ड, हाउ दलित वुमेन स्पीक डिफरेंटली, या जो ये अपनी जुबान जो है, क्या नाम है आजकल इनका, काली जो फॉरगेटिंग दी जुबान शायद उनका, ये उर्वशी बुतालिया का जो पब्लिशिंग हाउस है, इन्होंने जो वो निकाले हैं, इनकी सीरीज निकली है, उसमें कास्ट पे, जेंडर एंड कास्ट पे जो अनुपमा राव का जो कलेक्शन है, प्लीज रीड दैट, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उसी सिमिलर जो है वो लाइंस पे डिस्क्रिमिनेशन है, ऑप्रेशन है, और किस तरह से सेम एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं। यहाँ पे रिहान अरेंज किया है कौशिक जी रावल। पूछे आप कौशिक हेलो हेलो रावल। मैडम, यस जी आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। मुझे दो बात आपसे पूछनी है। जी जी जो ये ब्लैक फेमिनिज्म एंड व्हाइट फेमिनिज्म जो है, ये जी किसने डेवलप किया, मैन ने किया या विमेन ने किया? एक ये मुद्दा है, डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हुए, किसने किया?
और दूसरा मुद्दा ये है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है जो फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में होता है वो रेसिज्म है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल है। हमारे यहाँ कास्टिज्म के ऊपर से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हाउ वी कैन इक्विएट द एंथ्रोपोलॉजिकल एंड द सोशल, इवन दो नो डाउट अबाउट इट दैट द वीमेन आर सफरर वेरी एंड डाउनस्ट्रेटन स्ट्रेटा वीमेन आर वर्स्टली अफेक्टेड। आई एम फुल्ली एग्री विथ यू, बट हाउ वी कैन इक्विएट इट विद द सोशल स्टेटस एंड द एंथ्रोपोलॉजिकल। थैंक यू। आपके दो प्रश्न हैं, मैंने अपनी जगह बदली है बिकॉज मुझे चार्जिंग करना था लैपटॉप। देखिए यही होता है ना, एडजस्टमेंट्स होती हैं लाइफ। तो पहला प्रश्न है कि क्या ये औरतों का है या मर्दों का है। देखिए फेमिनिज्म की बात जब आएगी तो बहुत सारे मर्द भी हैं जो फेमिनिज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। बिगिनिंग की बात करेंगे कि हिस्ट्री देखेंगे कि किसने किया, तो डेफिनेटली जब विमेन्स राइट्स की बात आती है तो विमेन वुड बी यू नो वॉइसिंग, वो ही बात करेंगी। जैसे दलित राइट्स की बात है या दलित ऑपरेशन की बात है तो आप बहुत रेयरली देखेंगे कि ओरिजिन जो है या पहली बात जो है वो नॉन दलित करेगा। नहीं, वो जो एक्सपीरियंस करता है, समवन हु एक्सपीरियंसेस विल बी एबल टू देन रेज टॉक अबाउट इट, कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, एंड देन फिर हम जैसे लोग जो इस बात को समझें, उस एक्सपीरियंस को रियलाइज करें और फिर कॉन्ट्रीब्यूट करें, उसमें सपोर्ट करें। तो शर्मिला अगर बहुत यू नो दलित स्टैंड पॉइंट को स्ट्रांगली कहती थी और आज उनके डॉक्यूमेंटेड वर्क को हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नहीं कि वो दलित थी, बट इसलिए क्योंकि वो दलित सिचुएशन, दलित क्वेश्चन एंड दलित विमेन आई मीन, उसको वो समझती थी और वो कह पाती थी, है ना। एंड यस, संजय ने वो राइटिंग जेंडर राइटिंग कास्ट की बात की है, मैं आपको लगे हाथ दिखा भी सकती हूँ, वो यहाँ कहीं मेरी लाइब्रेरी में पड़ा है, आप उसको पढ़िए। शर्मिला की जो राइटिंग जेंडर राइटिंग कास्ट है, इवन एक अच्छा सेज का वॉल्यूम उसने एडिट किया है, सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर विच इज अ कलेक्शन ऑफ सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आर्टिकल्स पुराने हैं उसकी कलेक्शन है, आप वो पढ़िए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल वाली बात, तो वो तो मैं कह चुकी कि जब हम दलित फेमिनिज्म की बात करते हैं या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो डेफिनेटली वो कास्ट है, वो रेस नहीं है। और वहां अगर आप कह रहे हो वो रेस है, लेकिन उसको भी आप प्योर एंथ्रोपोलॉजी मत बोलिए, उसमें सोशियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स भी हैं। और मैंने अपने डिस्कॉर्स में भी बोला कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी उसमें बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जो सारा फेमिनिज्म का मूवमेंट है जहां पर क्लियर कट हमें पता है कि हम किस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये बात कह रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिकल भी बात आती है। सो है रेस, लेकिन उसका सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। यहाँ पर है कास्ट, लेकिन उस कास्ट को जो कि बहुत सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कास्ट का भी अगर आप कहोगे तो लिटरेरी एस्पेक्ट भी है। जैसे आज की बात अगर हम कहें आंट आई अ वुमन को, मैं एक किताब से आपको ये सारी बात समझा रही थी, पर क्योंकि ये ब्लैक फेमिनिज्म की बात थी तो उसका बैकग्राउंड समझना और फिर इस किताब को समझना कि बेल हुक्स क्या कहने की कोशिश कर रही हैं और वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट यू नो थिंकर हैं इस पूरे आइडियोलॉजी की, तो वो जरूरी था। तो लिटरेरी भी है, सोशल भी है, एंथ्रोपोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, ये हम पे डिपेंड करता है हम किस पर्सपेक्टिव से उस इशू, उस परेशान मतलब उस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला जो सवाल है ना कि ब्लैक फेमिनिज्म एंड व्हाइट फेमिनिज्म, ये डिफरेंस कब से शुरू हुआ और किसने किया? ये कब से और किसने का तो बहुत ऐसा क्या बोलते हैं टिपिकल सी बात है, बड़ी पर्टिकुलर बात है। रफली मैं तो आपको बता रही हूँ ना कि ये 19th century में आके है ना, वहां पर जब ये बात होना शुरू हुई, जब स्लेवरी से बाहर निकलना शुरू हुए, लिबरेशन मूवमेंट की बात आना शुरू हुई, तो ही ब्लैक फेमिनिज्म की बात आना शुरू हुई। तो ब्लैक फेमिनिज्म मच लेट। थैंक यू। यहाँ पे सत्यम नवीन नारायण। थैंक्स अ लॉट। So first of all, I would definitely like to listen after so many years, because I'm not
आई एम नॉट फ्रॉम द एकेडमिशियन बैकग्राउंड. आई वॉज द फर्स्ट, या आई एम नॉट फ्रॉम एकेडमिशियन बैकग्राउंड. आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु ऑप्टेड द कोर्स हेल्थ एंड वीमेन एंड जी एन एंड पब्लिक हेल्थ. सो आई हैव रेड लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट. शर्मिला रेगे, सुशीला रोत, आई नो ईच एंड एवरीथिंग. And I also know Kamala Basin. I also worked with her. But so I'm definitely, because in 2014, when I was a student in JNU, that point of time, Nirbhaya incident took place. Okay. So we all the roaming here and there. And after reading all the sociological aspect, then I come on the one aspect. So I'm pointing out that gender diversity and diversity in gender. I have written it out and also published in the Delhi University, Samaj mein Mehilaye aur Mehilaon ka Samaj. Achha, so my question, because you have completed, main aapko vyaktigat taur pe kabhi likhunga, kyunki maine aapka number likha hai, mujhe bahut acha laga. Ek bindu main rakhna chahta hoon. Bataiye. Agar Bharat mein jati vyavastha hai, ji. To agar aap Brahman hai, to wo Brahmaniya ho gayi. Ji. Agar aap Thakur hai, wo Thakurani ho gayi. Ji. Agar aap Baniya hai, to Baneni ho gayi. To kya ye Mehilaye hain? जो बहुजन समाज की महिलाएं, क्या उनके साथ वो बराबरी करती हैं? शायद नहीं करती. क्या उनको घर में काम देती हैं? देती हैं. क्या उनको टॉयलेट यूज करने देंगी? नहीं करने देंगी. क्या उनको खाने देंगी? नहीं खाने देंगी. ये जो एस्पेक्ट है, आई एम अगेन पॉइंटिंग इट ऑन द इंग्लिश. सो बिकॉज द प्रिविलेज्ड कास्ट कम्युनिटीज, हाउ दे विल टेक चेंज, क्योंकि वो कब चेंज लेंगी? मुझे नहीं लग रहा है कि वो चेंज लेंगी. कैसे चेंज लेंगी? एंड दूसरा पॉइंट, आई थिंक you have also pointed, are you able to listen me properly? Ji. Yeah. So I have also, because I have given lots of time on the Gujjar, Bakalwar and Sansi Nut Bedia, you know, understand the Bedia's communities. Ji. Unka bhi bahut, jo Anuja Agarwal ne likha hai. Ji. Unko bhi. Mujhe jo ek baat lagti hai, jo aakhri mein jo inhone prashn kara tha, uske sandarbh mein kehna chahta hoon. Ji. Ye mamla caste aur race ka nahi hai. Ji. Isabel ne jo kitab likha, caste, उसमें पहले लिखा था ओरिजिन ऑफ डिसकंटेंट. वो ये कहती है रेस तो केवल स्किन का कलर है, कास्ट रीढ़ की हड्डी है, यानी कि सिस्टम इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. सो आई वांट टू नो योर पॉइंट कि क्या प्रिविलेज समाज की महिला हैं, दलित महिलाओं के पक्ष में आएंगी या नहीं आएंगी? मैंने आई थिंक आपकी इस सवाल का थोड़ा सा जवाब पहले वाले जवाब में दे दिया कि बहुत सारी नॉन दलित महिलाएं जो हैं वो दलित महिलाओं के साथ हैं और जुड़ी हैं. एहसान नहीं है ये, कोई मतलब ये कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आउट ऑफ द वे हो रहा है. वो इसलिए हो रहा है, मैंने पहले भी ये कहा, क्योंकि वो उनकी सिचुएशन, उनके एक्सपीरियंस को समझती हैं. और जो मैं ये कह रही थी कि ओरिजिन किसी चीज का होना, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि केवल दलित महिलाएं ही अपने अपनी अपने राइट्स की बात करेंगी, अपने हकों की, अधिकारों की बात करेंगी. नॉन दलित महिलाएं भी दलित महिलाओं की जो शोषण जो उनका होता है, उस सारे अनुभव को समझते हुए उनका साथ दे सकती हैं और दे रही हैं, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम्स बना रही हैं. आपने कमला भसीन की बात की, कमला दी को अगर आप देखेंगे तो वो हैं, तो वो एक्टिविस्ट हैं, लेकिन वो कितने कितनी छोटी छोटी जगहों पर जाकर भी ये सारी जो चेतना है वो लोगों में लाती हैं, संवेदनशीलता जो है वो लाती हैं. दूसरी बात, जहां आपने बोला कि क्या एक अपर कास्ट औरत जो है अपने घर में काम देती है, अपना टॉयलेट यूज करने देती है, क्या मैंने बीच में रेफरेंस दिया था कि वो, मैंने सफाई कर्मचारी लोगों पर काम किया है, महिलाएं भी उनका हिस्सा थी, ये मेरी किताब है. पता नहीं पढ़ा जाए, अनटचेबिलिटी एंड सोशल मोबिलिटी स्टडी ऑफ स्कैवेंजर्स, बेसिकली ये मेरा PhD का थीसिस है. तो जब मैं ये काम कर रही थी तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब मैंने औरतों से पूछा कि क्या आपको लोग घरों में खाना बनाने के लिए लगाते हैं, किचन का काम करने देते हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने ना ही बोली थी कि किचन का नहीं करने देते हैं, कपड़े धुला लेते हैं, सफाई करा लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन खाना नहीं बनाने देते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है भारतीय समाज में, कि प्योर काम क्या है और कौन सा काम जो है वो इम्प्योर हो जाता है किसी के छू देने से, किसी के आ जाने से.
हम कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक क्राइम है, लेकिन हम इसको एक सटल तरीके से करते रहते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा था, क्या आज भी आपके लिए सेपरेट बर्तन है, क्या आपको पानी अलग से दिया जाता है या चाय का कप अलग है क्या? तो वो बड़ी खुशी खुशी मुझे उन्होंने बताया, नहीं मैम आजकल तो पानी ही दे, मतलब पानी तो बॉटल में दे देते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं। सो आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा क्या वो बॉटल वापस लेते हैं, चाय का कप अगर डिस्पोजेबल दिया जा रहा है तो क्या आप उसे वापस लेते हैं? तो एक्चुअली एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी मुझे नजर आया था। मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि सब हो रहा है, हिडन है, लेकिन एक नए रूप में, एक नई शक्ल में हो रहा है। तो एक तरफ जहां सब होते हुए भी हम उन्हीं प्रथाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक बड़ी अच्छी किताब है अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया, 2006 की पब्लिकेशन है शायद बहुत सारे ऑथर्स की, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आज भी ये दलित नॉन दलित इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत क्लियर कट यू नो क्लियर कट सेग्रीगेशन है। लेकिन जहां सवाल ये है कि अपर कास्ट महिलाएं या नॉन दलित महिलाएं जिनको मैं बोलती हूँ, वो जो है वो दलित महिलाओं का साथ नहीं देंगी, तो इससे मैं थोड़ा सा डिसअग्री करती हूँ। बहुत सारी ऐसी नॉन दलित महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, हमारे स्त्री अभ्यास केंद्र के तरफ से और हमारा जो IAWS है उसकी तरफ से हमारी बहुत सारी कोशिशें होती हैं, और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस और छोटे छोटी एनजीओज वो सब मिलके जो है इन सब के साथ मिलके, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस, इस पे हम और भी बात कर सकते हैं बाद में। थैंक यू मैम। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे जी, जी। सत्यम जी का है। सत्यम जी आप बोल सकते हैं। जी धनंजय जी, बिल्कुल यही सत्यम। अच्छा अच्छा, नहीं वो धनंजय जी किताब का नाम लिख रहे हैं अनटचेबिलिटी। वो भी यही कहीं पड़ी है मेरी किताब, मैं आज किताबों के बीच में बैठी हूँ बड़े दिन के बाद। हाँ मैम जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम सत्यम तांसा है। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो अगर मार्क्सिस्ट बोलते हैव्स और हैव्स नॉट, वैसे वेबर वगैरह होता है, तो ब्लैकिज्म की तरफ से स्ट्रेटिफिकेशन कैसा होगा? मतलब फर्स्ट तो व्हाइट मैन हो गए, फोर्थ स्टेज पे ब्लैक वुमन हो गए, सेकंड और थर्ड में कैसा होगा? मतलब पहले व्हाइट वुमन आएगी या ब्लैक वुमन आएगा? आई डोंट नो, मतलब मुझे समझ में नहीं, आप लास्ट पे किसको रख रहे हैं? सत्यम आप लास्ट पे किसको रख रहे हैं? सत्यम को अनम्यूट करिए प्लीज, क्योंकि मुझे सवाल में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। मैम एक्चुअली ब्लैक फेमिनिज्म में अगर तो लास्ट में ब्लैक वुमन होंगे ना, मतलब अगर ब्लैक फेमिनिस्ट होगा मैं तो फिर सेकंड और थर्ड में कौन होगा? सेकंड और थर्ड मतलब आप ये कह रहे हो, मतलब मैं तो यहाँ अगर आप ब्लैक कर रहे हो तो ब्लैक और व्हाइट है, हम बीच में नहीं आ रहे हैं। आप क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट से जब समझते हो तो आपको लगता है कि हमारी हायरार्कीज हैं, हमारे लेवल्स हैं, है ना, कि पहले में ब्राह्मण है और दूसरे में ये है और तीसरे में ये है। वहां पर उस सारी क्लासिफिकेशन में जब ब्लैक फेमिनिज्म की बात आती है तो इट इज ब्लैक एंड वाइट, सो ब्लैक एंड नॉन ब्लैक उतना ही। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे ये श्रीनिवास पिलगुकर का। मैडम समसामयिक समय में एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल स्टडी अंतर स्टडी में अंतर कर पाना संभव है क्या? देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में बहुत कंपलसरी तरीके से, या हम बोलेंगे एक इंटेग्रल जो कंपोनेंट होता है वो फील्ड वर्क होता है, चाहे वो एथनोग्राफिक हो या किसी भी तरीके से। तो वो सोशियोलॉजिकल जब काम की बात आती है तो उसमें केवल थ्योरेटिकल बात कह देने से और वो उस तरह का काम कर देने से भी हम उसको सोशियोलॉजिकल एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जितनी मुझे समझ है, और मेरी समझ ज्यादा नहीं है एंथ्रोपोलॉजी पे, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल का जहां तक संबंध है वो बहुत सारा फील्ड और एम्पेरिकल काइंड ऑफ स्टडीज से रिलेटेड होता है। थैंक यू मैम।
हम जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मुझे आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे मालूम है, नहीं, इट इज इसलिए ओके. इसलिए इसलिए जल्दी खत्म करना चाहते हैं। जी जी कोई बात नहीं. एक्चुअली हमारे प्रिंसिपल शुरू से जुड़े हुए हैं, जी 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 जो प्रिंसिपल साहब हमारे जो है, एक्चुअली कुछ जो आपका लेक्चर है, लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उनके जो जी जी ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे रखेंगे। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब को, डॉक्टर वी एस डेकले सर। प्लीज सर। गुड इवनिंग सर. गुड यस, आई इवनिंग। एम ऑडिबल. यस सर। यस सर. वेरी गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड डॉक्टर विश्व रक्षा मैडम जी. बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी विथ अंडरस्टैंडिंग पैट्रियार्की एंड जेंडर, इंट्रोडक्शन टू फेमिनिस्ट थिंकर्स. टुडे फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव वेरी कामली एंड क्वाइटली लिसनिंग टू यू, एंड माई स्पेशल कॉमेंट्स एंड स्पेशल थैंक्स टू यू दैट द वे इन विच यू हैव एक्सप्लेन्ड द थीम ऑफ ब्लैक वीमेन स्पेशली एंड आई ए वुमेन फर्दर ब्लैक फेमिनिज्म एंड बेल हुक्स टू. रिस्पेक्टेड मैडम, व्हाट आई फील इज दैट द वुमेन इज कैरेक्टराइज्ड एज सी इज विथ ए बंडल ऑफ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स वेन वी गो फॉर irrespective of what you call the colors, races, when you just identify them, because we have touched today the segment where that has been deeply exploited years together, where you have focused many more aspects in connection with the black women's too. May on the verge of sexuality, racism, slavery, ethnic differences, colonialism, many more things like this. what my conclusions to are this, that women, they are more democratic, they are peaceful, affluent, sensitive. The tolerance capacity among the women to are is as compared to men, may black and white is a more, the degree of tolerance is comparatively more than that of men. Further, they go for struggling, indefinite go for struggling. Further, they have a capacity to tolerate all these things, even in connection with the men. And they are with a bundle of virtues. They are with the bundle of virtues and are identified with ingenuity. Further, they are with the ability of skills and artifice. Unfortunately, the racism, religion, caste, what you call, all these things that what you call tied their hands and legs. Mm-hmm. Even some amount that they have been pressurized, may because of traditions, may the attitude of the male dominance, or may we may think in connection with the patriarchy. Mm-hmm. However, as the time passes and things are now channelized, but I don't think that it should be kept it aside, because any type of exploitation that is against humanity may, because when we go for exploiting the first, what you call the human being, that is woman, and then the children too are there. These are the most victimized, what you call the population, in the male population, what you call the whole human being population too. But gradually, the people like you or the education systems may, what you call the legal system in different countries too, now the things are channelized. This is a very, very good thing that the Department of Sociology, Dattajarao Kadam, Arts, Commerce, Science College brought a virtual platform to discuss a very important issue like black feminism. maybe were not aware, because they might not have what is black feminism and many more things. However, the depth of the problem, because unless somebody should brought what you call the vision and the facts to in front of the
what you call the learners like us, the young guys too, we cannot think in that relation, and we cannot move towards to undertake a certain types of problems as a research, and we don't go for finding the solutions thereof. In this line, I think that today's your presence on the what you call the virtual platform of DKSC College Ichalkaranji, I feel it's a very important and gathers an important moss too. In this line, I salute you, madam, and I remember the things where the great lower Nobel laureate Tawakkul Kamran, she received the Nobel Peace Prize. She's from Yemen, and she commented in her speech when she was receiving a Nobel Peace Prize in the year 2018, that she commented as, women is not the root cause of every problem. However, it is an answer to the solution of various problems. The world has kept aside them. Therefore, we all are away from the awareness of the capacity and capabilities of capabilities among the women. And therefore, we should give an opportunity, treat them equally, and praise them in connection with the qualities that we are, that will go for contributing the well-being of human beings too. This is what she has commented, and what I feel is that it's true. When I enjoyed your lecture, and therefore I salute to you, especially how you have focused it on Black feminism too. So on behalf of my Shikshan Samstha, Sri Swami Vivekananda Shikshan Samstha, and the office bearers, especially Chairman Principal Abhay Kumar Salunke, Secretary Madam Gaudi Madam, I thank even on my faculty and student, on behalf of my student and delegates too. I am so much thankful to you for enlightening us on this very important issue. Thank you. Thank you one and all. Over to Dr. Jadhav sir, please. Thank you, sir. Thank you so much. इसके बाद जो एक्चुअली सेशन का हम एंड करेंगे, एक्चुअली मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि मयूरेश पाटिल सर आप आ जाए और आभार प्रकट करें। यस सर, यस, थैंक यू सर, गुड इवनिंग वन एंड ऑल, रिस्पेक्टर डॉक्टर विश्वरक्षा मैडम, प्रिंसिपल डॉक्टर वी एस डेकरे सर, डॉक्टर अर्जुन जाधव सर, एंड ऑल द रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स. I feel very immense pleasure to take this opportunity vote of thanks in this online national workshop. On behalf of Department of Sociology, Dattajirao Kadam Arts, Commerce, Science, Ichalkaranji. First of all, I am very thankful to Dr. Vishwaraksha ma'am. Ma'am has given a very brief explanation and such a wonderful and informative session on Black feminism, bell hooks, anti-women's, very good guidelines, ma'am, for the future research and future teaching also. In this session, very informative discussion, various doubts has clear, all the doubts, various participants, all doubts has been clear. So I am very, very thankful to Dr. Vishwaraksha madam. Then I would like to thankful to Dr. Principal Dr. V.S. Dekre sir for your valuable remark. Then I would like to thankful to Dr. Arjun Jadhav sir, coordinator of this national workshop. And then I would like to thank all the respected participants and one and all. Such a very informative and such a very valuable guidance and such a very very valuable session. Ma'am, you have delivered very, very valuable all those things. So I am very, very thankful to one and all. Thank you, Jadhav sir. Thank you. Sabhi ka main last mein actually Dr. Jadhav ek line bolna chahti hu. Ha, bolie ma'am, bolie. Ha, mujhe sirf ye kehna tha, ek to aapko bahut dhanyawad ki aapne ye mujhe idea diya, aur is chakkar mein maine बेल हुक्स की आंट आया वुमन कम्प्लीटली यू नो स्टार्ट से लेकर अंत तक फिर से पढ़ ली, जो मैंने बहुत साल पहले कुछ कुछ हिस्से पढ़ के छोड़ दी थी, और उसके लिए थैंक यू वेरी मच. बहुत सारा पढ़ा मैंने, और मुझे लग रहा है कि अब मैं बेल हुक्स को ज्यादा अच्छे से जानती हूँ,
देन जो मैं पहले केवल उनका कुछ उनका उनके बारे में पढ़ी थी. तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस. ओके थैंक यू.